ओके सो स्टार्ट करते हैं बेटा। पीजीपी में हमने सेक्शन 35 सीसीसी एंड सीसीडी किया था। अब उसके आगे आपका आता है सेक्शन 35D। सेक्शन 35D बेसिकली इट इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ देयर विल बी थ्री सेक्शन, 35D, 35DD एंड 35DDA, राइट? ये तीन सेक्शंस होंगे, ठीक है? उसके अंदर हम वर्ड एक पढ़ेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन जनरली हमने क्या पढ़ा, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह के लिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 31। बट अभी हम पढ़ेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हम डिस्कस करेंगे। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है बेटा, वो एक साथ में डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको कुछ फ्यूचर ईयर्स में, यानी कि 5 साल के अंदर उसका डिडक्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं बेटा अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अमोर्टाइजेशन, राइट? ठीक है, तो तीन सेक्शन, एक 35D, उसके बाद में 35DD आएगा, फिर 35DDA, ये तीन सेक्शन के अंदर अमोर्टाइजेशन यूज में आएगा। इसका मतलब है कि वो एक बार में डिडक्शन नहीं मिल रहा है आपको, 5 अलग अलग ईयर्स के अंदर डिडक्शन मिलने वाला है, राइट? तो सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जो बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी है। एनी बिजनेस यू आर स्टार्टिंग, देन देयर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट या व्हिच आर नेसेसरी टू स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है, उनको बोलते हैं बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड एज यू नो कि जब वो एक्सपेंस आप कर रहे थे तब आपका बिजनेस था नहीं, बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं था, तो उनका डिडक्शन मिला नहीं होगा। तो उनका डिडक्शन कब मिलता है? उनका डिडक्शन मिलता है बेटा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में। तो देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम पे तो असेसी क्या बोल सकता है कि मेरा ये एक्सपेंस प्रीलिमिनरी है, वो भी प्रीलिमिनरी है, मतलब बहुत सारे हर चीज को। अगर वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा है वो भी बोला मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, कहीं एरोप्लेन से बोले मैं जब मीटिंग करने के लिए गया और चार्टर प्लेन लेकर, वो भी मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। तो क्योंकि उससे पहले बिजनेस शुरू होने से पहले क्या होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है तो आप क्या करोगे, जितने एक्सपेंसेस है वो आप सारे के सारे डाल दोगे, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम एक्सपेंस हो जाए ताकि आप मैक्सिमम डिडक्शन ले पाओ। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है कि वी आर लिस्टिंग आउट सम एक्सपेंसेस एंड दोज ओनली विल बी ट्रीटेड एज प्रीमियम एक्सपेंसेस, राइट? तो यहां पे क्या बोला गया कि ये जो कुछ एक्सपेंसेस है जिनको हम लिस्ट आउट कर रहे हैं ये प्रीमियम एक्सपेंसेस होंगे। तो फॉलोइंग एक्सपेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन एज प्रीमियम एक्सपेंसेस। एक कीवर्ड मैंने यूज किया है, फेमस पाप, फेमस पाप, ठीक है। आज की तारीख में बिजनेस करना क्या है? फेमस पाप है। आज की तारीख में बिजनेस करना क्या है? फेमस पाप है, ठीक है। तो फेमस पाप कीवर्ड, एफ फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। व्हाट इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट? बेटा हम जब कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ लिकर शॉप, मैं लिकर शॉप स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन उस एरिया के अंदर ऐसी कम्युनिटी रहती है जो बेसिकली लिकर और उन चीजों को यूज नहीं करते हैं, दे अवॉइड पर्टिकुलर इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह को। आसपास बहुत सारे स्कूल्स है, आसपास बहुत सारे कॉलेजेस है, तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रहा, टेम्पल्स है, जो कहते हैं ना कि जो डिवोशनल प्लेसेस है, तो उस एरिया में जहां पे टेम्पल्स वगैरह है पूरे एरिया में, उधर लिकर शॉप वहां पे स्टार्ट करना ही फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। मैं एक रेस्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ और रेस्टोर नॉनवेज रेस्टोर है, और उसको मैं ऐसे एरिया में स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पे वेज, जो कहते हैं वेजिटेरियन लोग ही रहते हैं, तो बेटा वो फिजिबल ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं, कहने का मतलब ये चीज है। या मैं एक ऐसे एरिया में वेज रेस्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ जहां पे जो 100% क्राउड या 90% क्राउड है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो मतलब चलेगा ही नहीं, कहने का मतलब ये चीज है। अगर मैं नॉर्मली अगर एग्जाम्पल दू, एक ऐसा शहर, एक ऐसी सिटी जहां पे सिर्फ और सिर्फ गंजे लोग रहते हैं, कहने का मतलब जिनके सर पे बाल नहीं है, और वहां पे अगर मैं, ठीक है, कंघे की फैक्ट्री लगाऊं या मैं कंघे बेचने का बिजनेस स्टार्ट करूं, तो वो फिजिबल ही नहीं है, कहने का मतलब क्यों, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाते हैं कि भाई ये वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई नहीं चलेगा वो। सपोज आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन मुंबई, और मुंबई में कहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं अंधेरी में स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अंधेरी में मैंने पता किया भाई शॉप्स वगैरह है, तो मिनिमम जो शॉप्स है बेटा वो 1-1.5 करोड़ से नीचे मिलेगा ही नहीं, एंड मेरा जो बजट है बेटा 50 लाख से, कहने का मतलब तो फिजिबल ही नहीं है।
फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं बेटा, वो बिजनेस के लिए जरूरी होता है। कोई भी बिजनेस आप शुरू करो तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो भी एक्सपेंस होगा बनवाने का, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। उसके बाद में हम लोग मार्केट सर्वे करवाते हैं, ठीक है। मार्केट से एफ फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एम फॉर मार्केट सर्वे, कि भाई मार्केट सर्वे करवाते हैं कि मान लो मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूं तो फिजिबल तो हो गया कि भाई इस एरिया में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं या वेजिटेरियन लोग हैं, और वही मैं पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं ये पता करूंगा कितने ऑलरेडी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ठीक है, क्या क्या फेमस है इस एरिया में, क्या चाहता हूँ, मैं मार्केट सर्वे करवाऊंगा लोगों का टेस्ट क्या है, तो उसके लिए भी मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद में जब ये डिसाइड हो गया कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह करवाऊंगा, दैट इज ऑल्सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर सपोज मैं कंपनी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, मैं कंपनी बना रहा हूँ, तो कंपनी बनाऊंगा तो एमओए एओए मेरे को ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा एमओए एओए ड्राफ्ट, तो एमओए एओए ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एज वेल एज जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जो एक्सपेंसेस होते हैं, फीस वगैरह, आरओसी फीस वगैरह, वो सारा का सारा प्रीमियम एक्सपेंसेस है। प्लस जब कंपनी बना रहा हूं तो मैं मान लो शेयर्स एंड डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अगर मैं शेयर्स डिबेंचर इशू करूंगा तो मेरे को प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा एंड उसको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, तो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा एनी अदर अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर बाय सीबीडीटी एंड लास्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सपेंसेस, के मेरे को लोन वोन लेने का है बैंक्स वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाऊंगा। तो दीज आर ओनली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फेमस बाप, एफ फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, एम फॉर मार्केट सर्वे, ए फॉर एमओए एओए ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एंड आरओसी फीस, ठीक है। एस फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, ये हो गया फेमस। पी फॉर prospectus drafting and printing expenses, ठीक है। A for any of the approved expenses by CBDT and last P for project report expense, only these expenses will be treated as preliminary expenses, उसके अलावा कोई expenses का deduction नहीं मिलेगा। अब बेटा ये सारे के सारे expense हमने कर लिए। अच्छा इसमें भी मैं बता दूं कि ये जो तीन expenses ना, ये वाले तीन, ये सिर्फ company के case में हो सकते हैं, क्योंकि company MOA AOA वहां पे उसके case में होता है, shares और debenture वही issue कर सकता है, prospect भी, तो ये सिर्फ कंपनी केस में हो सकता है, बाकी कंपनी हो या कोई भी हो सबके केस में हो सकता है, ध्यान रखना। ओके, अब आता है बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमोर्टाइजेशन कैसे होगा, तो जो भी आपका एलिजिबल एक्सपेंस होगा उसका 1/5 डिडक्शन मिलेगा 5 प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस। तो सपोज प्रीवियस ईयर 2021 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको, और मान लो ये एलिजिबल एक्सपेंस हमने निकाला कितना, 1 लाख रुपीज, तो 1/5 इसका एवरी ईयर मतलब 20,000 आपको मिलता रहेगा, जिस साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है उस साल से डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, 1/5 ऑफ एलिजिबल एक्सपेंस। अभी आता है बेटा व्हाट इज एलिजिबल एक्सपेंस, तो एलिजिबल एक्सपेंस अपने को निकालना पड़ेगा। तो सपोज अगर बेटा इंडियन कंपनी है, क्या है इंडियन, तो देखो एक तो एक्चुअल एक्सपेंस आप निकाल लो, एक्चुअल एक्सपेंस मतलब जो फेमस पाप का जो खर्चा है, एक्चुअल एक्सपेंस मतलब जो आपने लिख देना है यहाँ पे, जो फेमस पाप के ऊपर खर्चा हुआ है सारा का सारा, वो एक्चुअल एक्सपेंस है। फेमस पाप, जो पाप का खर्चा है उसको बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेंस। तो एक तो एक्चुअल एक्सपेंस ले लो, दूसरा बेटा क्या करो आप, ठीक है, अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी केस में आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% लो और 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का लो, उन दोनों में से विच एवर इज हायर। सबसे पहले आप क्या करो, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर ले लो, ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंस कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, ये आपका आ जाएगा एलिजिबल एक्सपेंस, और फिर उसका 1/5 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर अदर रेसिडेंट एसएससी है बेटा, तो अदर रेसिडेंट एसएससी केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंस, विच एवर इज लोअर। अदर एसएससी केस में, अदर रेसिडेंट एसएससी केस में बेटा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नहीं लेना, क्यों, क्योंकि उसके केस में कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ही नहीं। कैसे सर, तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है बेटा, तो टोटल फिक्स असेट रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ये तो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट है, नया बिजनेस है, उसके लिए टोटल फिक्स असेट रिक्वायर्ड है वो आपका, सपोज ये 100 crore है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, न्यू फिक्स असेट रिक्वायर्ड बेटा जो नए बिजनेस के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो फिक्स असेट रिक्वायर्ड 100 crore है, तो आप इसका 5% लो तो कितना होता है, 5 crore हो गया, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, जो आपका इश्यूड शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लेना बेटा, इश्यूड शेयर कैपिटल लेना है, ठीक है, तो इश्यूड जो शेयर कैपिटल है वो ले लो,
सपोज ये ATCR है, डिबेंचर 10 करोड़ का जो डिबेंचर इशू कर रखा है वो 10 करोड़ का बेटा, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो मोर देन 5 इयर्स है, जो आपने लोन्स ले रखे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग मोर देन 5 इयर्स वो ले लो आप, तो ये सपोज आपका 20 CR है। कितना बेटा? 20 CR है, तो टोटल कितना हो गया? 110 CR। तो 110 CR ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। आप समझो कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया, बिजनेस में लगाया है, तो कैपिटल आया कहां से? वो कैपिटल आया इशूड शेयर, जहां से आपने शेयर इशू किया वहां से आया, तो इशूड शेयर कैपिटल। डिबेंचर इशू किया उससे कैपिटल आया, और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लोन ले रखे वहां से कैपिटल आया, ठीक है। उसका कितना परसेंट बेटा? 5% ले लो, तो उसका 5% होता है 5.5 CR। तो आपने लिख दिया 5 CR और 5.5 CR, ठीक है, विच एवर इज हायर, तो आ गया 5.5 CR, ये आ गया। एंड सपोज एक्चुअल एक्सपेंस है बेटा वो आपका 4 CR ही है, तो उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो आपका कितना एलिजिबल एक्सपेंस हो गया? 4 CR, और 4 CR का 1/5 एवरी ईयर 5 साल तक डिडक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड, ठीक है। अब एक बात समझनी जरूरी है यहां पे कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी केस में हो सकता है क्या? इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म AOP BOI शेयर्स इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या डिबेंचर इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब जो अदर रेसिडेंट अदर देन इंडियन कंपनी होंगे उनके केस में कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ही नहीं। दैट इज वाई बेटा वहां पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और डायरेक्टली एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर ले लिया जाता है। अंडरस्टूड क्लियर है ये चीज वहां पे? अब यहां पे समझना कि भाई मैंने यहां पे क्या बोला कि ये इंडियन कंपनी के लिए एलिजिबल एक्सपेंस निकालना और ये अदर रेसिडेंट SSC के लिए एलिजिबल एक्सपेंस निकालना। मतलब अगर फॉरेन कंपनी है, डिडक्शन अंडर 635 AD इज नॉट अलाउड टू नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी, तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट HUF, नॉन रेसिडेंट पार्टनरशिप, नॉन रेसिडेंट AOP BOI AJP है, तो उनको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, उनको 35D के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। या कोई फॉरेन कंपनी तो उसको भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है और अदर रेसिडेंट SSC को मिलता है। दूसरा, ये जो इशूड शेयर कैपिटल है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसमें ये शेयर प्रीमियम भी नहीं आता है। शेयर प्रीमियम शेल नॉट बी एडेड इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, शेयर प्रीमियम को ऐड कर देते हैं, उससे क्या होगा कि मान लो 2 करोड़ का शेयर प्रीमियम है तो ये आपका 82 CR हो गया, तो ये भी आपका 2 CR से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बेटा ये भी ज्यादा आएगा, विच एवर हायर वो भी ज्यादा आएगा, तो ज्यादा डिडक्शन लेने के लिए लोग शेयर प्रीमियम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जबकि वो इशूड शेयर कैपिटल लेना रिजर्व एंड सरप्लस ऐड नहीं कर सकते कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। डन बेटा? डन, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सेक्शन 35D था, ये सेक्शन 35D फेमस पा, F फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, E फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, M फॉर मार्केट सर्वे, ठीक है, A फॉर MOA ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एंड ROC फीस, S फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, फिर P फॉर प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, A फॉर एनी अदर अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर बाय CBDT एंड P फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सपेंसेस। इनका कितना डिडक्शन मिलता है बेटा? तो हम सबसे पहले एलिजिबल एक्सपेंस निकालेंगे इंडियन कंपनी की, इसमें 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, और ये जो हायर आएगा बेटा उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये हो जाएगा एलिजिबल एक्सपेंस, इसका 1/5 डिडक्शन 5 इयर्स तक मिलेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस स्टार्टेड। एंड अगर वहां पे बेटा अदर रेसिडेंट SSC है तो अदर रेसिडेंट SSC केस में 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर वो आपका वहां पे एलिजिबल एक्सपेंस है, उसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में टोटल फिक्सेस रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली इन केस ऑफ कंपनी होगा, इंडियन कंपनी होगा, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोराइंग, ठीक है, ये वहां पे आपका इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर आता है बेटा 35DD, अमोर्टाइजेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस। जब किसी कंपनी का अमलगमेशन होता है, जब किसी कंपनी क्या होता है बेटा, अमलगमेशन होता है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि बहुत सारी असेट्स लाइबिलिटीज और भी चीज़ों का वैल्यूशन करवाना पड़ता है, कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस बेटा जो न्यू कंपनी होगी उसको डिडक्शन मिल जाएगा, बट उसका अमोर्टाइजेशन होगा। अमोर्टाइजेशन मतलब 5 इयर्स के अंदर डिडक्शन मिलेगा। वैसे डीमर्जर अमलगमेशन क्या होता है कि एक या उससे ज्यादा कंपनी मिलकर अमलगमेट होती है। डीमर्जर क्या होता है बेटा कि एक कंपनी MDH, ठीक है, इसके 3 सेगमेंट है MDH लिमिटेड के, ठीक है, मिर्च धनिया एंड हल्दी। मान लो हल्दी सेगमेंट का बहुत बड़ा डिमांड हो गया तो उस सेगमेंट को क्या बनाना पड़ा, अलग कंपनी, तो वो H वहां पे अलग बन के H लिमिटेड बन गया, एक न्यू कंपनी बन गया, इसको बोलते हैं बेटा डीमर्जर। क्या बोलते हैं बेटा? डीमर्जर। तो ये जो ओल्ड कंपनी था इसको तो बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनी,
डीमर्ज कंपनी, और ये नया कंपनी में ना इसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो ये सारे प्रोसेस में बेटा खर्चा होगा, क्योंकि भाई इसके जो शेयर होल्डर होंगे उनको न्यू कंपनी के भी शेयर्स मिलेंगे, इसको असेट जाएगा, कुछ लायबिलिटी जाएगा, तो पूरे केस में बेटा वैल्यूएशन होगा, बहुत सारी जो खर्चे होंगे, तो वो जो एक्सपेंस, ये जो न्यू कंपनी है रिजल्टिंग कंपनी, इसको डिडक्शन मिलेगा, बट वो डिडक्शन बाय वे ऑफ अमोर्टाइजेशन, मतलब 5 ईयर्स में मिलेगा। तो फॉर 5 प्रीवियस ईयर टू न्यू कंपनी, तो 35 डिडक्शन इज इन 35 डीडी, कितना 1/5 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर उसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा 5 साल। फिर 35 डीडीए बेटा क्या बोलता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन एक्सपेंसेस। हमने सैलरी में डिस्कस किया था कि कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को वॉलंटरली रिटायर कर देती है। तो जब वॉलंटरली रिटायर करती है तो उनको कंपनसेशन पे करती है, क्योंकि उनकी सर्विसेज अभी भी बाकी थी। तो वो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कंपनी पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज को बेटा, वो कंपनी के लिए 1 साल का खर्चा नहीं है, वो फ्यूचर का एक्सपेंस था। अगर मान लो वो एम्प्लॉय सर्विस में होता तो उसको आने वाले फ्यूचर ईयर्स में सैलरी देते, तो बेटा वो सारा का खर्चा, एक सारा का सारा एक्सपेंस जो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट 1 साल में अलाउ नहीं होता, वो भी अमोर्टाइज होता है 1/5 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, 5 साल में डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 डीडीए, डी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डीडी ठीक है, अमल कमीशन डी मर्जर एक्सपेंस है, डीडा डीडीए वॉलंटरी एंड रिटायरमेंट एक्सपेंस, तो डी शादी से पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डी फिर डीडी शादी होगी, अमल कमीशन या तलाक हो गया ठीक है, डी मर्जर, और फिर बाद में आता है डीडा, डीडा था वो रिटायर हो गया, वॉलंटरी रिटायर हो गया, डी की डीडी का डीडा, डी की डीडी का डीडा, तीनों केस में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 डीडी इज अलाउड ओनली टू कंपनीज, नहीं बेटा इसको काट दो, ये सबको अलाउ होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म कंपनीज, इसको काट, इसको कट कर देना ठीक है। ओके अब आता है सेक्शन 35 CCA, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी समझो। देखो मैंने स्टार्टिंग में ये जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने बोला था बेटा कि जनरली सेक्शन 30 से लेकर 37(1) तक डिडक्शन तभी मिलेगा अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है तो, बट देयर विल बी सम एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जहां पे खर्चा आप बिजनेस के लिए नहीं भी कर रहे हो फिर भी गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा ठीक है। क्यों देगा? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर चीजों को मोटिवेट करना चाहती है। तो जब इंदिरा गांधी वॉज द लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड 1971 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, 1971 का इलेक्शन लड़ा था इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि इलेक्शन का जो नारा था, चुनावी नारा था, स्लोगन था, दैट वाज था गरीबी हटाओ, ऐसा ही कुछ था, मतलब गरीबी हटाओ ऐसा कुछ नारा था, कहने का मतलब ये चीज है ठीक है। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने भी क्या किया था कि कुछ फंड्स बनाए थे कि भाई हम गरीबी हटाने के लिए फंड्स बना रहे हैं, और वो फंड में जो पैसा आएगा उससे हम जो देश के गरीबी है उसको हटाने के लिए काम करेंगे ठीक है। तो उसमें क्या हुआ बेटा, उस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो लोगों को भी बोला कि आप भी कंट्रीब्यूट करो। तो अब जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को बोला आप भी कंट्रीब्यूट करो, मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरा इसमें क्या फायदा, कहने का मतलब उससे अच्छा मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा, अपने आप गरीबी हट जाएगी। लेकिन सरकार क्या बोलती है कि चलो ठीक है हम आपको लालच देते हैं, क्या लालच देते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो ठीक है इन पर्टिकुलर फंड्स के अंदर, देन यू विल गेट डिडक्शन फ्रॉम योर पीजीबीपी, मतलब बिजनेस में से इनकम में से आपको डिडक्शन मिल जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका टैक्स वहां पे बच जाएगा। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है कम से कम टैक्स तो बच रहा है तो चलो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेक्शन 35 CCA उसी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, मैं पब्लिकेशन बिजनेस है, मैं जनरल स्टोर चला रहा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सरकार इस स्कीम को, गरीबी हटाओ को वहां पे प्रमोट करना चाहती है, लोगों की गरीबी हटाना चाहती है, ऐसा सरकार बोलती है, कहने का मतलब ये चीज। तो क्या बोला आशीष जी को कि अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट और नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, पर्पज आपका फॉर रूरल डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट है, ये आपका पर्पज है ठीक है। तो इन दैट केस बेटा जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया पीजी में से 100% डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 CCA। तो मान लो मैंने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, और पर्पज वहां पे रूरल डेवलपमेंट ऑब्वियसली अर्बन डेवलपमेंट है, तो फिर उस 1 लाख का मुझे पीजी में से डिडक्शन मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट में से सेक्शन 35 CCA के अंदर वो लेस हो जाएगा। ये फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड के अंदर ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा सेक्शन 35, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन,
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमेंडमेंट भी है। सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट साइंटिफिक रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखो क्या होता है कि इंडिया में बेटा लोग पढ़ लिख जाते हैं, वहां पे एजुकेशन यहाँ से कर लेते हैं, IIT से पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो मान लो कुछ करना चाहते हैं कि भाई कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ वैक्सीन वगैरह बनाना चाहते हैं कोविड वगैरह का, लेकिन यहाँ पे उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। अगर वो ऐसा बिजनेस कर भी लेते तो गवर्नमेंट बोलती है तुम ठीक है कर रहे हो तो कर रहे हो, हमको क्या मतलब है, उससे कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर बाद में क्या, तो इस चक्कर में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो टैलेंट होता है वो चला जाता है, US चला जाता है, कनाडा चला जाता है, UK चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और वहां पे उनको अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है रिसर्च करने के लिए, जो टैक्स बेनिफिट्स है वो भी मिलते हैं, कहने का मतलब ये चीज है। तो फिर हम प्राउडली बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 60% इंजीनियर्स आर इंडियंस, ठीक है, US के अंदर 70% डॉक्टर्स आर इंडियंस, कहने का मतलब IBM के अंदर इतने परसेंट साइंटिस्ट, इतने परसेंट नासा के अंदर इतने साइंटिस्ट, वो प्राउडली बोलते हैं, लेकिन वो हम उनको रोक क्यों नहीं पाए, यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है चलो आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे आप बिजनेस करो और यहाँ पे आप रिसर्च भी करो, तो वो बोलते हैं हमको इससे क्या फायदा। बोले देखो अगर आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च करोगे या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, मतलब PGUP के अंदर, जब आप PGUP के अंदर कोई एक्सपेंस करते हो और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, की भाई आपने बिल्डिंग खरीदा, प्लांट है, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इंटेंजिबल असेट खरीदा, तो उस केस में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, और बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 आपको डिडक्शन मिलेगा वहां पे, राइट। लेकिन आप सोचो कि भाई खर्चा तो मैंने आज किया है 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, आप मुझे उसकी असेट की लाइफ तक आप मेरे को डिडक्शन दोगे टुकड़ों टुकड़ों में, कहने का मतलब ये चीज है वहां पे, जबकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आज है डिडक्शन की। क्यों? क्योंकि आज अगर मुझे डिडक्शन मिलेगा तो आज मेरा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम आएगा। फ्यूचर में किसने देखा है भाई, फ्यूचर में मेरा बिजनेस ही नहीं रहा है तो मैं डिप्रेशन क्या डिडक्शन लेके करूंगा क्या, कहने का मतलब लॉस करवा के करूंगा भी क्या। तो गवर्नमेंट बोलती है ओके चलो इफ यू आर इनकरिंग एक्सपेंसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 35 लाइक दिस, ठीक है। तो सेक्शन 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। अब बेटा बात समझो कि ये जो डिडक्शन है वो किस तरीके से मिलेगा। तो बोले सर रिसर्च करोगे तो एक तो देखो खुद रिसर्च कर सकते हो, इन हाउस रिसर्च, मतलब आप खुद रिसर्च करो, क्या आप बिजनेस कर रहे हो और आप रिसर्च भी कर रहे हो साथ में, ठीक है। दूसरा होता है कि यार एक कहावत है कि भाई हाथी अगर देखना है तो हाथी देखने को ले, हाथी पालना जरूरी नहीं है, आप पैसे दो किसी जू में जाओ, वहां पे आप टिकट खरीद के भी हाथी देख सकते हो, कहने का मतलब। तो बोला हम बिजनेस करेंगे, रिसर्च विसर्च का झंझट नहीं पारेंगे, तो एक काम करो अगर आप किसी और को कंट्रीब्यूट कर लेते हो रिसर्च करने के लिए तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इधर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं खुद ही रिसर्च कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं खुद ही रिसर्च कर रहा हूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस तो कर रहा हूं लेकिन मैं खुद रिसर्च नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं रिसर्च करने के लिए। जैसे कि मैंने IIT को पैसा दे दिया कि भाई तुम इस पर्टिकुलर चीज में रिसर्च करो, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को रिसर्च दे दिया, डोनेशन दे दिया या कंट्रीब्यूशन दिया कि तुम मेरे लिए रिसर्च करो, किसी कंपनी को पैसा दे दिया कि भाई तुम रिसर्च करो मेरे लिए, ठीक है। होता है कि नहीं होता है भाई, आपने सुना होगा बेटा कि भाई IIT के स्टूडेंट्स ने एक फेस शील्ड बनाया है, अभी रिसेंटली हैदराबाद का कोई जो बायो जो कहते हैं बायोडिग्रेबल वेस्ट से उसने बनाया है, ठीक है, हैदराबाद IIT का कोई लड़का है। तो बेटा उन लोगों के लिए वो रिसर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर की कंपनीज बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं किसी IIT को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ रिसर्च करने के लिए तो उसके लिए भी तो मुझे मोटिवेट करना जरूरी है, तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर होता है कि नहीं हमारी खुद की टीम है, इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा बिजनेस है, हम खुद रिसर्च करेंगे। तो दो तरीके से बेटा हो सकता है, इधर इन हाउस रिसर्च हो रहा है या फिर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी आउटसाइडर को। पहले हम बेटा पढ़ते हैं, अगर आप किसी को आउटसाइडर को कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो बेटा कैसे होगा। तो सपोज मेरा बिजनेस है बट मैं किसी बाहर वाले को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, डोनेशन दे रहा हूं, अगर बेटा डोनेशन वर्ड भी आता है तो वो भी सेम ही है, ठीक है, डोनेशन लिख देना वहां पे कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक डोनेशन, कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक डोनेशन टू आउटसाइडर,
ठीक है। पर्पस बेटा क्या है, पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च। पर्पस क्या बेटा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं या फिर मैं डोनेशन दे रहा हूं किसी आउटसाइडर को। किसको दे रहा हूं बेटा, मैं IIT को दे रहा हूं, नेशनल लेबोरेटरी को दे रहा हूं, अप्रूव्ड करी को दे रहा हूं। आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू IIT नेशनल लेबोरेटरी टू अप्रूव्ड करी एंड पर्पस इज साइंटिफिक रिसर्च। पर्पस इज बेटा साइंटिफिक रिसर्च। या फिर मैं इंडियन कंपनी एंगेज इन रिसर्च। बेटा इंडियन कंपनी होना चाहिए, फॉरेन कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी, एंड इट शैल बी एंगेज इन रिसर्च। उनको मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है। इधर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू IIT नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव्ड करी या इंडियन कंपनी एंगेज इन रिसर्च फॉर साइंटिफिक रिसर्च। बेटा तो जितना मैंने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसका मुझे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कितना परसेंट बेटा, अर्लियर देखो IIT नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव करी के लिए 150 था, नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 100%, और इंडियन कंपनी 100 ही था, तो पूरे केस में 100% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। जो भी मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, सपोज मैंने 1 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन किया IIT को, ठीक है, 1 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन किसी नेशनल लेबोरेटरी को किया, 1 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन किसी अप्रूव्ड करी को किया, एंड 1 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा किसी इंडियन कंपनी जो कि एंगेज है रिसर्च के अंदर उसको किया, टोटल 4 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन किया बेटा, 100% डिडक्शन, मतलब मुझे टोटल 4 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, 4 CR का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी बेटा अप्रूव्ड करी क्या है, अप्रूव्ड करी क्या है, तो ये देखो, C फॉर कॉलेज, U फॉर यूनिवर्सिटी, R फॉर रिसर्च एसोसिएशन, I फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड होने चाहिए, किसी अप्रूव्ड कॉलेज को आप डोनेशन दे रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को दे रहे हो, किसी अप्रूव्ड एनी अदर इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, ये हो गया अप्रूव्ड करी, ठीक है, या फिर IIT या नेशनल लेबोरेटरी, ठीक हो, या फिर इंडियन कंपनी एंगेज इन रिसर्च को दे रहे हो, 100% डिडक्शन मिलेगा जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है बेटा, IIT या नेशनल लेबोरेटरी, पवई के अंदर IIT है, पवई के अंदर आपको पता है कि भाई IIT बॉम्बे जो है, तो IIT या उसके सामने ही नेशनल लेबोरेटरी है, उसके सामने क्या नेशनल लेबोरेटरी, तो IIT एंड नेशनल लेबोरेटरी के सामने जो अप्रूव्ड करी वाला रहता है, अप्रूव्ड करी, करी खाते हैं ना, करी खाते ना, अप्रूव्ड करी वाला रहता है, अगर उसकी करी हमने कंपनी में खाया, कंपनी में, अकेला आदमी नहीं, अगर कंपनी में खाया, इंडियंस की कंपनी में हमने खाया, तो उस करी का 100 रुपए का प्राइस है, कितना 100 रुपए का प्राइस है, मतलब 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू IIT नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव्ड करी एंड इंडियन कंपनी एंगेज रिसर्च, अगर फॉरेन कंपनी एंगेज रिसर्च दिया कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंडियन कंपनी को दिया बट वो रिसर्च के अंदर एंगेज नहीं है, रिसर्च के अंदर बेटा एंगेज नहीं है, तो बेटा उस केस में भी वहां पे आपका, ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर करी है, मतलब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एनी अदर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं है, क्या है बेटा, अप्रूव्ड नहीं है, तो भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो IIT नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव्ड करी, C फॉर कॉलेज, U फॉर यूनिवर्सिटी, R फॉर एसोसिएशन, I फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एंड इंडियन कंपनी एंगेज इन रिसर्च, इनको अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, डोनेशन दिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 100% डिडक्शन विल बी अलाउड, राइट। दूसरा आता है बेटा, अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, डोनेशन दिया है, एंड पर्पज इज फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रिसर्च इन सोशल साइंस, पर्पज इज स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रिसर्च इन सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रिसर्च इन सोशल साइंस, ये अगर आपका पर्पज है बेटा, ठीक है, और अप्रूव्ड करी को दिया है, तो 100% डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउड। अभी स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड रिसर्च इन सोशल साइंस क्या होता है कि भाई डेटा वेटा कलेक्ट करने के लिए कोई रिसर्च करवा रहे हो, इलेक्शन वेलेक्शन के लिए, जैसे कि ये सर्वे वगैरह होते हैं उनके लिए करवा रहे हो, तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च, या फिर जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है उनके लिए अगर आप करवा रहे हो, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रिसर्च इन सोशल साइंस 100% डिडक्शन प्रोवाइडेड अप्रूव्ड करी को वो देना है। अब इसमें बेटा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा पार्ट आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है साइंटिफिक रिसर्च और खास करके ये वाला IIT नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव्ड करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके बेटा, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइड। अब आता है बेटा रिसर्च जो कि इन हाउस है, आप खुद कर रहे हो, किसी और को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, आप रिसर्च भी कर रहे हो, तो इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, और इन हाउस रिसर्च भी बेटा दो तरह से होता है। अब मान लो जैसे मैं, मेरा कोई अपना रिसर्च विसर्च कोई लेना देना नहीं है, ना कोई कोविड वैक्सीन वैक्सीन दवाइयों वैसे कोई लेना देना ही नहीं,
Someone told me, यार देख अभी तो मोदी जी ने बोल दिया जो कोविड वैक्सीन बनाएगा ना सबकी वैक्सीन क्या कर देंगे मोदी जी अप्रूव्ड कर देंगे। मेरे को आपने बोला सर आपको पता है मोदी जी ने बोला है कि कोई भी कोविड वैक्सीन बनाता है उसकी वैक्सीन को अप्रूव कर देंगे। मैंने कहा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी तो लेट्स स्टार्ट रिसर्च। तो अभी देखो एकदम से मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में कोई वैक्सीन का फॉर्मूला है नहीं है कि मैं वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दूं। तो उस केस में मैं बेटा क्या करूंगा मैं पहले रिसर्च करूंगा। तो मैं रिसर्च करूंगा और रिसर्च करके उसके ऊपर खर्चा करूंगा सीधी सी बात है। तो उसको बोलेंगे बेटा रिसर्च जो हो रहा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैं कुछ साल रिसर्च करूंगा सीधी सी बात है। अब मैं COVID-19 से चलो आके चला गया है मैं COVID-19 प्रो की वैक्सीन बना रहा हूँ। चाइना का तो आदत है मतलब वो पहले 19, 20, 21, 22, 23, 24 निकाले फिर उसका प्रो वर्जन भी निकालेगा मतलब हर चीज में पता है ना आपको ये चीजें। तो अभी वो COVID-19 प्रो या COVID-20 प्रो या COVID-21 निकाल सकता है कहने का मतलब ये चीज है। तो मैंने फ्यूचर को देखते हुए सोचा कि लेट स्टार्ट रिसर्च फॉर COVID-21 या COVID-22 या COVID-23 का मैं पहले से मैं रिसर्च स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि जैसे ही वो मार्केट में आएगा मैं भी वैक्सीन बनाना रख के कर दूंगा वहां पे। तो अब ऑब्वियसली उसके लिए मेरे को खर्चा करना पड़ेगा एक्सपेंस करना पड़ेगा ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल लेता हूं बेटा कि मैंने रिसर्च स्टार्ट किया ठीक है। सपोज मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर मेरा बिजनेस कमेंस हो रहा है एंड मुझे चाइना से कुछ साल पहले खबर आ गई थी 4-5 साल पहले कि हम लोग छोड़ने वाले हैं ठीक है। उसका नाम रहेगा कोरोना वायरस तो उसकी आप पहले से तैयारी कर लो वैक्सीन बनाना शुरू कर दो। तो मेरे को वो जो इंटरनल न्यूज आ गई थी उसके हिसाब से मैंने भी काम करना शुरू कर दिया था। तो 2021 में मैंने बिजनेस कमेंस कर लिया मतलब मैंने वैक्सीन बेचना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले बेटा मैंने रिसर्च किया था तो प्रीवियस ईयर 2019-20 प्रीवियस ईयर 2018-19 प्रीवियस ईयर 2017-18 प्रीवियस ईयर 2016-17 और प्रीवियस ईयर 2015-16 में इतने सालों से मैं रिसर्च कर रहा था। मैंने खर्चा भी बहुत किया था 100 CR का एक्सपेंस था 200 CR का एक्सपेंस था 300 करोड़ का खर्चा किया। फिर यहाँ पे इस साल कुछ नहीं किया मेरे को डाउट हुआ कि चाइना पता नहीं निकालेगा कि नहीं निकालेगा ऐसे बेवकूफ बना रहा है तो मैंने खर्चा किया ही नहीं। लेकिन जब डिसाइड हो गया कि भाई COVID-19 वायरस आने वाला है तो मैंने दबा के खर्चा कर लिया वहां पे 200 CR का फिर से ये मैंने एक्सपेंडिचर किया था ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बेटा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं 2021 के अंदर खर्चा उसके पहले किया है इसको बोलेंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो रिसर्च हुआ है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ डिडक्शन कब मिलेगा तो जिस साल में आप बिजनेस कमेंस करोगे बेटा उस साल के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। इस साल के अंदर मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा जिस साल बिजनेस कमेंस किया है। तो सर कितने ईयर्स का डिडक्शन मिलेगा क्या पूरा का पूरा मिल जाएगा क्या क्या पूरा का पूरा मिल जाएगा क्या नहीं बेटा मैक्सिमम 3 ईयर्स का। तो सर ठीक है 3 ईयर्स का मतलब ये 200-300-200 ले लेते हैं ऐसा नहीं बेटा। जिस साल में बिजनेस स्टार्ट किया उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 previous year का डिडक्शन मिलेगा तो टोटल कितना हो गया 500 CR का डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन कौन से ईयर में मिलने वाला है ये डिडक्शन मिलने वाला है जिस साल में आपने बिजनेस कमेंस किया ₹500 CR का प्रीवियस ईयर 17-18, 18-19, 19-20 का जो एक्सपेंस है वो बेटा। अब देखो बात को समझो इस 500 करोड़ के अंदर बहुत तरह के खर्चे होंगे मेजरली दो तरह के एक्सपेंडिचर एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सपोज 400 CR तो कैपिटल है और 100 CR वहां पे रेवेन्यू है। अब ये कैपिटल के अंदर भी अलग अलग तरह का खर्चा है एक मैंने रिसर्च लैब बनाने के लिए लैंड परचेज किया था तो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 150 करोड़ का अपने आप में कॉस्ट ऑफ लैंड है। आपको बता दूं बेटा कॉस्ट ऑफ लैंड पे जो भी खर्चा किया है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा
क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो लैंड होता है एप्रिशिएबल असेट होता है बेटा, वो उसकी कोई लाइफ नहीं होती है, कहने का मतलब ये चीज है, वो तो आपको बाद में भी किसी और पर्पस के ही काम आ जाएगा, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिल्डिंग के ऊपर मैंने बेटा खर्चा किया है, बिल्डिंग, ठीक है, एक मिनट, ये मैंने दो तरह खर्चे किए, कॉस्ट ऑफ लैंड 150,000, फिर इसके अलावा बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया, फर्नीचर के ऊपर खर्चा किया, प्लांटर मशीनरी के ऊपर खर्चा किया, एंड कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी मैंने खरीदी। 100% डिडक्शन मिल जाएगा जो भी खर्चा किया। तो सपोज 150 का मेरा क्या था कॉस्ट ऑफ लैंड, बाकी कितना 250 हो गया मेरा बिल्डिंग प्लांटर मशीनरी फर्नीचर इंटेंजिबल, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। जिस साल आपने बिजनेस क्या किया है बेटा, कमेंस किया है, तो मैं पीजी में जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से 250 CR लेस करूंगा सेक्शन 35। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। 2021 का जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से 250 CR में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया बिफोर कमेंसमेंट वाला खर्चा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा कैपिटल हो गया। अब देखो रेवेन्यू भी 100 CR का खर्चा किया है, लेकिन इस रेवेन्यू में भी तीन तरह का एक्सपेंस है। एक है सैलरी, सैलरी है टोटल सपोज 80 CR का। अब सैलरी के अंदर भी परक्यूजिट है ₹10 CR का, और जो अदर सैलरी कंपोनेंट्स है, अदर सैलरी अदर वो है ₹70 CR का। तो बेटा जो परक्यूजिट सैलरी के ऊपर जो परक्यूजिट के जो भी आपने परक्यूजिट मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया साइंटिस्ट वाइंटिस्ट को, ठीक है, उनके बच्चों को एजुकेशन वगैरह दिया, घूमने फिरने का, लीव ट्रेवल कंसर्न, बेटा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। लेकिन जो अदर सैलरी वाला सैलरी अलाउंसेस वगैरह है 100% डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, 100% डिडक्शन मिल जाएगा इन द प्रीवियस 2021 जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में बेटा जो टोटल 100 CR का रेवेन्यू था उसमें से 10 CR का रॉ मटेरियल का मैंने खर्चा किया था बेटा, वो भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कौन से साल में, जिस साल में अपना बिजनेस कमेंस किया। और बचा 10 CR का जो अदर एक्सपेंस है, ठीक है, अदर देन सैलरी एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। बेटा समझ में आया। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर कोई खर्चा किया है तो डिडक्शन विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, नंबर वन। दूसरा, मैक्सिमम 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का डिडक्शन मिलेगा, उसके पहले का है वो लैप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लैप्स हो जाएगा। तीसरी चीज, वो 3 साल का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सबका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो बेटा उसके अंदर भी सैलरी का डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट परक्यूजिट एंड रॉ मटेरियल का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, बाकी किसी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डन बेटा, समझ में आ गया ये चीज वहां पे, ओके। तो ये देखो, अगर आपने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस खर्चा किया है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो ये देखो ये हैशटैग लगा हुआ है, ये हैशटैग पढ़ लो क्या बोलता है, ये हैशटैग बोलता है मैक्सिमम 3, ये देखो, इन केस ऑफ इन हाउस रिसर्च इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देन डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस एंड डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर मैक्सिमम 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरीके से डिडक्शन मिलेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब उसमें देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ लैंड, नो डिडक्शन, अदर बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी इंटेंजिबल, 100% डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट, 100% डिडक्शन अलाउ, मतलब परक्यूजिट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल 100% डिडक्शन अलाउ, बाकी कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेटा अंडरस्टूड, डन डन डन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला। अब देखो ये तक कब कि भाई, मान लो मैं कोविड वैक्सीन का पहले रिसर्च किया और उसके बाद में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अभी देखो अभी मेरा बिजनेस शुरू हो चुका है, अब मेरे पास में खबर आई कि कोविड-22 लेकर के चाइना आने वाला है, मतलब और उसका प्रो वर्जन लेके आने वाला है, तो मैं पहले से तैयारी कर लू। अच्छा, मेरा बिजनेस, मेरा कोविड-19 का वैक्सीन बिक रहा है, कोविड-19 का वैक्सीन बिक रहा है, मतलब मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है बेटा,
बट एज अ कॉम्पिटिटिव, मतलब मेरे को पता है कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन मैं फ्यूचर की भी तैयारी करूंगा आगे आने वाले 22, 23, 24 जो भी मतलब सिचुएशन करेगा, ये तो चलता रहने वाला है बेटा, अभी रुकने वाला नहीं है, एंड एवरी ईयर अपने को वैक्सीन भी लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो फ्यूचर की तैयारी करते हैं, और फ्यूचर की तैयारी के लिए साइंटिस्ट लोगों को बुला लिया, देखो इधर भाइयों अपना बिजनेस चल रहा है, वो चलने दो, अच्छा कमा रहे हैं हम लोग मार्केट के अंदर, मोदी जी अपने को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट अपने को फ्यूचर की तैयारी करनी है। मोदी जी से बात हो गई, उन्होंने बोला है कि अगले 10 सालों तक मैं आपसे वैक्सीन लूंगा, बट आप पहले तैयार कर लो 22, 23, 24 जो भी मतलब आने वाले उन सबका तैयार कर लो, प्रो वर्जन वगैरह। बोला ओके सर वी आर रेडी। तो एक तरफ माय बिजनेस इज कंटिन्यू, दूसरी तरफ मेरा रिसर्च भी कंटिन्यू है, और मैक्सिमम ऐसा ही होता है, आपने जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, वो ऐसा ही करते हैं कि वो बिजनेस भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली उनका दूसरा रिसर्च भी शुरू होता है, डन ठीक है। तो उस केस में बेटा आपको ऑब्वियसली जिस साल में खर्चा करते जाओगे आपको डिडक्शन मिलता जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या बोलेंगे बेटा इसको, इन हाउस रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन हाउस रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी टेक्निकली बेटा बताऊं मैं आपको, तो ये कैम वैम कुछ नहीं रहा है, एक बात सिंपल सी बात समझ लो कि भाई चलो मैं बताता हूं, असेसी इज ए कैम, कैम मतलब असेसी इज ए कंपनी, रिसर्च अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर एंगेज है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस। अब ये वैसे कुछ लॉजिक रहा ही नहीं है, सब एक हो गया है। कहने का मतलब मैं अगर बोलूं कि अगर कोई असेसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसर्च कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ लैंड कोई डिडक्शन नहीं है, बाकी चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो 100% डिडक्शन मिल जाएगा, इन शॉर्ट, ठीक है। ये पुरानी सिचुएशन मैंने रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है बेटा क्योंकि देखो पहले कुछ जगह पे 150% डिडक्शन मिलता था, ये देखो अब सब जगह क्या हो गया बेटा 100%। तो आप देखो सारी सिचुएशन में चाहे इधर या इधर, देखो ड्यूरिंग द कोर्स चाहे एसएससी स्कैम और अदर एसएससी, ठीक है, सारी सिचुएशन में देखोगे कॉस्ट ऑफ लैंड नो डिडक्शन, बाकी चाहे बिल्डिंग हो फर्नीचर हो प्लांट है मशीनरी हो रेवेन्यू हो एनी एक्सपेंस हो कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा, कितना परसेंट बेटा 100% डिडक्शन। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इन शॉर्ट सिंपल सा ये हो गया है कि अगर आपका एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ लैंड नो डिडक्शन एंड अदर कैपिटल जैसे कि बिल्डिंग फर्न प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंस 100% डिडक्शन मिल जाएगा, बस इतना सा। इन शॉर्ट आप चाहो तो साइड में ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ ये भी लिख सकते हो। ये बेटा मैंने क्यों रखा है, जब इतना सा सिंपल हो सकता है तो आपने इतना क्यों उलझा के रखा है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस में पहले 150% डिडक्शन मिलता था, तो अपने को ये भी थोड़ा ध्यान रहना जरूरी है कि बेटा इस पर्टिकुलर केस में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती तो 150% डिडक्शन मिलता था। तो पहले मतलब इतना ध्यान होना चाहिए कि भाई पहले 150% डिडक्शन था तो ये कहां काम आएगा मैं बताऊंगा आपको, कहां काम आएगा मैं बताऊंगा, बट अभी जो मैंने आपको शॉर्ट में जो बता दिया है बेटा खाली उतना अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इतना आप ध्यान रखोगे तो काफी है, इसको कॉपी कर लो चाहो तो आप। Done? अब देखो यहां पे देखो पहला क्या सिचुएशन था कि अगर असेसी कैम्प है, कैम मतलब इफ असेसी इज ए कंपनी हुज रिसर्च इज अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, असेसी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ इधर मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई भी, इधर मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, तो उस केस में बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लैंड का कोई डिडक्शन नहीं मिलता था, बिल्डिंग का 100% मिलता था, और अदर के केस में 150% डिडक्शन मिलता था, जैसे कि फर्नीचर प्लांट मशीन इंटेंजिबल असेट 150% डिडक्शन मिलता था, अभी वो 100 कर दिया है, और
अगर एसएससी कैंप है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 100% में, पहले 150 मतलब अभी 100% डिडक्शन में लिया। और अगर एसएससी कैंप नहीं है मतलब मान लो कंपनी नहीं है या उसका रजिस्टर अप्रूव्ड नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आएंगे बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर आएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लैंड नो डिडक्शन, बाकी सब केस में 100% मिलता, रेवेन्यू भी 100% डिडक्शन मिलता। अभी तो वन ऑफ द सेम हो गया। कैंप क्या है बेटा, ये नीचे देखो ये दे रखा है, कैंप मतलब एसएससी मस्ट बी अ कंपनी, रिसर्च अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस। बट नाउ एवरी टाइप ऑफ एसएससी, वेदर एसएससी कैम और नॉट, सबको कॉस्ट ऑफ लैंड छोड़ के 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये एक और प्रोफेसर नोट में है कि भाई एसएससी ने अगर सेक्शन 35 में बेटा डिडक्शन लिया है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि पूरा 100% डिडक्शन ले लिया, ही कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब फिर वो उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन, कोई किसी और सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि बेटा WDV निल हो चुका है, पूरा का पूरा डिडक्शन बेटा वो ले चुका है। अंडरस्टूड, हमने डेप्रिसिएशन वाले केसेस में भी ये चीज देखी थी एक दो जगह वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। सो बेटा सेक्शन 35 क्लियर हुआ, इसमें कोई आपको डाउट है जस्ट इसको एक बार है ना आप पूरा का पूरा गो थ्रू करो सेक्शन 35 को। इवन आप सेक्शन 35 डी सही इसको एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करो, ठीक है, गो थ्रू करो, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। तब तक बेटा इलस्ट्रेशन नंबर इज 5, पेज नंबर 4.213 इलस्ट्रेशन नंबर 5 मॉड्यूल के अंदर। मिल गया, चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 35 फॉर द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 व्हाइल कंप्यूटिंग हिज इनकम अंडर द हेड PGBP, ठीक है। आपको डिडक्शन निकालना सेक्शन 35, तो सपोज नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है, जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है उस नेट प्रॉफिट में से आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन देना पड़ेगा, ये सारी चीज जो भी लेस करनी पड़ेगी। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ डिडक्शन निकालना है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, ठीक है। तो मैं यहीं पे करता रहता, ठीक है, यहीं पे करता रहता हूँ, बाद में आप इसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से। तो देखो सबसे पहला आता है अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलुरु फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो अप्रूव्ड करी है उसके अंदर ये आ जाएगा, अप्रूव्ड करी उसके अंदर आ जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IS है, अप्रूव्ड करी के अंदर आ जाएगा बेटा। तो किसके लिए दिया गया है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया गया है टू अप्रूव करी। तो बेटा कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, 100% डिडक्शन मिलेगा। कितना, 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, सेम 100% का डिडक्शन मिल जाएगा, IIT को दिया है 2,50,000 का। फिर उसके बाद में था अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, कंपनी है, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब इंडियन कंपनी है, विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च, मतलब इट इज इंडियन कंपनी विच इज एंगेज इन रिसर्च, इट इज इंडियन कंपनी विच एंगेज इन रिसर्च, ठीक है, एंड डेवलपमेंट एज इट्स अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। इस केस में भी 100% मिल जाएगा, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद में बेटा आता है नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अब ये इन हाउस रिसर्च, सर ये बिफोर कमेंसमेंट वाला है या ड्यूरिंग द कोर्स बिजनेस, तो ऑब्वियसली बात है बेटा पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस वाला। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 3 लाख रुपीज। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ 5 लाख ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो यहां पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया, 750, और कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, 5 लाख। बेटा वो कॉस्ट ऑफ लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 5 लाख हटा दो, बचा कितना, 2,50,000,
और उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा कितना, 2,50,000। तो इन सब का टोटल कितना होता है, इन सब का टोटल कितना होता है बेटा, 1,255,5 and 5, 10, 13 lakh, टोटल 13 lakh का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा बात समझो, आगे की मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, इस 750 में से आप 250 तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। मैं इधर लिख देता हूं, 750 में से 250 तो आप लेस कर दो, सॉरी 5 lakh लेस कर दोगे, 5 lakh लेस कर दोगे, क्यों, कॉस्ट ऑफ लैंड है, बचा कितना 250, और 250 का आपने पूरा का पूरा डिडक्शन दे दिया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, तो 5 lakh और जोड़ दो, आपने टोटल 18 lakh का एक्सपेंडिचर किया था। ये देखो नीचे जिस तरीके सॉल्व कर का नहीं है, देखो टोटल आपने 1,254,3 and 250 यहाँ पे लिख दिया, बट मान लो 18 lakh का एक्सपेंडिचर किया था, और ये इस तरीके से डिडक्शन, सेक्शन वेक्शन आप नहीं लिखोगे चलेगा, क्या नहीं मतलब सब सेक्शन वगैरह इतना, ठीक है, खाली आप अमाउंट इन्वेस्ट, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड लिखो यहाँ पे, दूसरा परसेंटेज ऑफ डिडक्शन और अमाउंट डिडक्शन लिखो, ठीक है, और टोटल कर दो 13 lakh का डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 35, 13 lakh। सपोज बेटा, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, आपने टोटल 18 lakh का क्या किया था, 18 lakh का आपने टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था अलग अलग जगह, ये आपका पीएनएल अकाउंट है, नेट प्रॉफिट है आपका 30 lakh, और इधर डेबिट साइड में लिखा हुआ था कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन, सारे अलग अलग जो भी अभी अपने को लिस्ट दे रखी थी, वो सारे 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 के सारे डेबिट साइड में ऐसे लिखे हुए थे, टोटल कितने का, 18 lakh का। अब हमने निकाला कि भाई 18 का डिडक्शन नहीं मिलता है, डिडक्शन कितने का मिलता है बेटा, डिडक्शन मिलता है 13 lakh का। तो अभी देखो पीजीपी निकालते टाइम अपने कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो आप निकालोगे पीजीपी इनडायरेक्ट मेथड से, सबसे पहले क्या लेते हो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 30 lakh, अब उसमें क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे एक्सपेंसेस डिसअलाउबल विच आर डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो ये देखो, ये अमाउंट जो 18 lakh लिया है, ये डिसअलाउ होना था, तो मैंने यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, पहले एक बार पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया, 18 lakh एड बैक कर दिया। अब आप लेस कर दो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 32, 37(1) जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो इसमें से हम डिडक्शन दे देंगे सेक्शन 35 के अंदर, ठीक है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना, 13 lakh, वो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका पीजीपी, वी आर अज्यूमिंग कुछ और है नहीं है वहां पे, ये पीजीपी आ जाएगा, तो 48 में से 13 गया, ठीक है, तो 48 में से 13 गया, 3 गया तो 35 lakh, बेटा अंडरस्टूड और नॉट डन। अब टेक्निकली चाहते तो जो 5 lakh का डिफरेंस है उसी को खाली वहां पे आप क्या कर सकते थे, एड बैक कर सकते थे, लेकिन उसमें कंफ्यूज आता है, बेटर आप क्या करो, एक बार जो पीएनएल के डेबिट है उसका पूरा का पूरा आप एड बैक करो, और फिर जितना डिडक्शन मिलना चाहिए सेक्शन 35 उसको आप लेस कर दो, डिडक्शन दे दो, तो एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। समझ में आया बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है जब एग्जाम में करो, तो जब एग्जाम में करो तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। डन बेटा, क्लियर। तो जब कभी साइंटिफिक रिसर्च का, ये तो देखो ये वाला तो अभी जो हमने इलस्ट्रेशन देखा उतना तो उसने ही करना, खाली उसने क्या पूछा, डिडक्शन निकालना है, वो हमने निकाल दिया 13 lakh का। लेकिन मान लो आपको पीजीपी का बड़ा क्वेश्चन करना हो, आपको बिजनेस इनकम पीजीपी इनकम निकालना हो, आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा हो और आप इनडायरेक्ट मेथड से पीजीपी इनकम निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले एक बार सब कुछ एड बैक करो जो पीएनएल में डेबिटेड था, फिर आप जितना डिडक्शन मिलना चाहिए उतना आप लेस कर दो। डन बेटा।
और अगर डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो तो डायरेक्ट मेथड में आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हो, तो उस केस में आपको पीएनएल अकाउंट दे नहीं रखा होगा, तो जितनी इनकम होती थी ग्रॉस इनकम, वो ग्रॉस इनकम ले लोगे और उसमें से सीधा 13 लाख का आप डिडक्शन दे दोगे सेक्शन 35, उसमें कुछ एड वेड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा? ओके चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सेक्शन 35 का, ठीक है। अब आता है सेक्शन 35AD। 35AD इज बेसिकली स्पेसिफाइड डिडक्शंस है, कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शंस है, ठीक है। सेक्शन 35AD के अंदर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है उनके लिए, तो देयर आर लाइक अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, टोटल 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है जिनका डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35AD के अंदर अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। बेटा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेक्शन 35AD के अंदर डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? 100% फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी, सबसे पहले तो आप समझो, लॉजिक समझो कि भाई ये है क्या डिडक्शन और क्यों मिलता है। सबसे पहले अपने को समझना बेटा वो जरूरी है कि डिडक्शन क्या है और ये डिडक्शन मिलता क्यों है। समझो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, ये उसमें वो लिस्ट ऑफ बिजनेस है जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो डेमोग्रेटिकली इतना बड़ा है, ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है और इतनी पॉपुलेशन है कि सरकार हर जगह जाकर के लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार, कोई भी नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर जगह जाकर के लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती। और उसके लिए बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, कहने का मतलब फाइनेंशियल्स वगैरह। समझ में आ रहा है बात? मतलब तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है यार, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना प्राइवेट सेक्टर से जो बिजनेस करते हैं लोग, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो उन लोगों को गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो ये लिस्ट ऑफ 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर आप ये करते हो, ठीक है, लिस्ट ऑफ 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, इफ यू आर डूइंग दीज बिजनेसेस या इनमें से कोई भी आप बिजनेस करते हो, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हो, तो वॉट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर यू विल डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूर बिजनेस, जब कभी भी आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, फॉर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% हम आपको डिडक्शन दे देंगे। क्योंकि आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता नहीं है, बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है, और जब खर्चा आदमी कर रहा है तभी उसको डिडक्शन की जरूरत है ताकि प्रॉफिट कम हो, टैक्स कम आए। यार मैं क्या करूंगा 20-25 साल के अंदर डेप्रिसिएशन ले लेके, अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है, वी विल अलाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन हम एक ही साल में दे देंगे, उसी साल दे देंगे जिस साल आपने अक्वायर किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट यू नीड टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस अगर आप ये पर्टिकुलर बिजनेस करते हो तो, ठीक है। तो बेटा वही सेक्शन 35AD है, वही सेक्शन 35AD है। तो सेक्शन 35AD है क्या? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सपेंसेस। So these deductions are investment linked incentive. मैंने पहले ही बोला बेटा ये deduction तभी मिलेगा जब आप खर्चा करोगे, जब आप capital expenditure करोगे, जब आप capital expenses के अंदर, capital assets के अंदर invest करोगे, तो ये investment linked tax incentive है कि आप investment करो capital assets के अंदर, आपको deduction मिलेगा, tax benefit मिल जाएगा। So these deductions are investment linked tax incentive. If assessee is engaged in the following specified businesses, then assessee will get 100% deduction under section 35AD for capital expenditure, only for capital expenditure incurred but excluding cost of land. Logical है। अगर आपने कोई land purchase किया, कोई deduction नहीं मिलेगा। मैं बार बार बता चलो, cost of land में कोई deduction नहीं मिलता है। एक्सपेंडिचर ऑन गुडविल, गुडविल पे भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। गुडविल अगर आपने परचेज किया है बेटा, ठीक है, तो उससे ऐसे को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो सेक्शन 35AD में डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन का मिल सकता है डिडक्शन, दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। सेक्शन 35AD में हर एक कैपिटल एक्सपेंस, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे मोटर कार हो,
कोई भी आपका असेट हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर आपने उसके लिए खर्चा किया, इंटेंजिबल असेट, इवन इंटेंजिबल असेट, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अगर कॉस्ट ऑफ लैंड है नो डिडक्शन, अगर एक्सपेंडिचर गुडविल है नो डिडक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, तो बेटा उससे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, बिजनेस थोड़ी बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये चीज, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इफ यू आर एंगेज इन स्पेसिफाइड बिजनेसेस एंड अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों को छोड़ करके एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल असेट, एनीथिंग, 100% डिडक्शन शैल बी बेटा क्या हो जाएगा अलाउ, जिस साल में आपने खर्चा किया है उस साल में, जिस साल में आपने खर्चा किया उस साल में। नीचे प्रोफेसर नोट में क्या लिखा, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अलाउबल अंडर स्किन 3580 फॉर दीज थ्री एसेट, 3580 में डिडक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि गुडविल के लिए आपका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है, वो अलग केस है, कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए तो कोई डिडक्शन मिलता नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी एप्रिशिएबल असेट है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, एप्रिशिएबल असेट से कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब आप बात समझना डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो देखो ये तो कीवर्ड है, मैं बाद में बताऊंगा। अब इसमें देखो पहला कॉलम बोलता है स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है, नेम ऑफ द बिजनेस, कौन सा बिजनेस करना है, यही बिजनेस करना है, हु विल बी एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी कौन होगा, ये भी कंडीशन है। और तीसरा आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस कब शुरू करना है तब जाके डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सेकेंड वाला, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। कोल्ड स्टोरेज आपने सुना होगा कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स है या वेजिटेबल्स है या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स है, उनकी लाइफ बहुत ही, मतलब दीज आर पेरिशेबल गुड्स, बहुत जल्दी आपका खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सरकार क्या बोलती है कि आप कोल्ड स्टोरेज बनाओ, वो कोल्ड स्टोरेज बना के सेटअप भी करो, ऑपरेट भी करो, कंडीशन है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, सेटअप भी करो ऑपरेट भी करो, सेटअप भी करो ऑपरेट भी करो। और लोग आपके पास में आएंगे, कोई बोलेगा भाई साहब मेरे आलू आपके वेयर हाउस में रख दो, कोल्ड स्टोरेज में रख दो, मैंने कहा दे दो, रख देते हैं, वो बदले में आपको रेंट पे कर देगा। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों का फायदा हो रहा है, देश की इकोनॉमी, भाई उसको अच्छा वैल्यू मिलेगा किसान को, कहने का मतलब ये चीज है, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होगा तो मार्केट में फिर जाएगा तो उसको अच्छा वैल्यू मिलेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो उसके बदले में आपको मिलेगा रेंट बेटा, आपको क्या मिलेगा रेंट, ठीक है। लेकिन आपके लिए उसको खर्चा भी करना पड़ेगा कि बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी लगाना पड़ेगा, एसी वगैरह, बड़े बड़े कूलिंग जो कहते हैं प्लांट मशीन लगाना पड़ेगा कूलिंग के लिए, फर्नीचर वगैरह भी लगाने पड़ेंगे, तो उनका आपको क्या मिलेगा डिडक्शन जिस साल भी आप खर्चा करोगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन, पहला बिजनेस क्या होना चाहिए, सेटअप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, असेसी कौन होगा, एनी असेसी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी हो सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिजनेस शैल बी कमेंस ऑन और आफ्टर 1st April 2009। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाहो तो बेटा इसे यहां पे नोट्स में कहीं पे जगह हो तो ये बना देना। सपोज ये प्रीवियस ईयर 2021 है, ठीक है। अब बेटा ये है 1st April 2009, समझना बात को अच्छे से, ठीक है। 1st April 2009 मैंने दो कोल्ड स्टोरेज सेटअप किए, ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे पास में दो कोल्ड स्टोरेज है जिनको मैं सेटअप मैंने भी किया और ऑपरेट भी कर रहा हूं, ठीक है। एक कोल्ड स्टोरेज मैंने बनाया था, सेटअप किया था, ऑपरेट किया था 1, और ये मैंने सेटअप किया था सपोज 2008, मतलब इस डेट से पहले। और दूसरा मैंने कोल्ड स्टोरेज सेटअप किया था
ये कोल्ड स्टोरेज बी है, टू है ना। इन 2010 मतलब इस डेट के बाद में। अब सपोज प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर मैं दोनों कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा करता हूं एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कोई मान लो मैंने इन दोनों का कूलिंग है ना थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैंने दोनों की कूलिंग के लिए मैंने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मैंने नया एक बड़ा सा कूलिंग एसी वगैरह जो भी परचेज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर किया दोनों के लिए। ठीक है, फॉर कोल्ड स्टोरेज सी एस लिख रहा हूं ना, कोल्ड स्टोरेज वन, सी एस वन, उसके लिए मैंने खर्चा किया रुपीज 20 CR का, और फॉर सी एस टू उसके लिए मैंने खर्चा किया रुपीज 15 CR का। अब देखो बेटा, क्या मुझे प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर 35 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा? देखो ऐसे MCQ भी आ सकता है, 20 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा, 15 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा, या निल डिडक्शन मिलेगा, तो आप बोल रहे हो कि बेटा जो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज टू है उसके लिए ही डिडक्शन मिलेगा 15 करोड़ का, क्यों ऐसा? क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है कि योर जो बिजनेस है इट शैल बी कमेंस, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1st April 9, ये कंडीशन है। मतलब अगर उसके पहले अगर बिजनेस कोई कमेंस हुआ है तो बेटा उसके लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया, बस खाली मेरे को इतना ही समझाना था। तो इस केस में बेटा, इस केस में नो डिडक्शन, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। हालांकि वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले सकता है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात है कि 35AD में डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इधर नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और इस केस में बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD मिल जाएगा 100%, ठीक है, ऑफ 15 CR। कौन से साल में? जिस साल में आपने खर्चा किया, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया, लिख दिया आपने ये चीज। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोल्ड स्टोरेज वन कोल्ड स्टोरेज टू दोनों ही स्पेसिफाइड बिजनेस है, या स्पेसिफाइड बिजनेस पहले वाला नहीं है दूसरे वाला है? Is both are specified business or only cold storage 2 is specified business? Yes, very good, very good. कुछ बच्चे क्या बोल समझ जैसे पता है कि उधर deduction नहीं मिलेगा, मतलब वो specified business है। भाई बात हो रही है cold storage, वो specified business तो है, question ये है कि deduction under section 35AD मिलेगा or not? Question क्या है बेटा, ये याद रखना बेटा, अभी जो मैं बोल रहा हूं इस चीज को याद रखना, स्पेसिफाइड बिजनेस तो चाहे उससे पहले स्टार्ट हो या बाद में स्टार्ट हो, बिजनेस तो स्पेसिफाइड ही है वो, बट जो पहले वाला है डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड बेटा, कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा उसको, हमेशा बेचारे को डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 32 ऑलवेज, चाहे कोई भी एसेट हो। जबकि दूसरे वाले केस में बेटा वो प्लांट या मशीनरी खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, वो वहां पे 35AD में 100% डिडक्शन ले सकता है जब तक कि ये सेक्शन अवेलेबल है तब तक। अंडरस्टूड बेटा, चलो वेरी गुड, आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो फटाफट एकदम हम लोग बिजनेस का नाम करते जा रहे हैं, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट कंडीशन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पे क्या क्या है बेटा, तो सबसे पहले बोलता है कि भाई एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है, मतलब नाम क्या है, ठीक है, दूसरा एलिजिबल असेसी कौन होगा, और तीसरा बिजनेस आपको कब स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफाइड बिजनेस
देखो अच्छा दूसरा एलिजिबल असेसमेंट, एक तो बेटा जो पहले वाला है ना, पहले वाला वहां पे और लास्ट वाला, ये दोनों सेम है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी कंसोर्टियम, इंडियन कंपनी ग्रुप ऑफ, बाकी सब में जितने भी है सेकंड से लेकर 13 तक एनी एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई कोई भी हो सकता है, तो पहले वाला और लास्ट वाला फर्स्ट एंड 14 सेम, एंड बाकी जो आपका सेकंड से 13 है वो सेम है एनी एसएससी, तो उसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बिजनेस आता है आपका लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच पाइपलाइन नेटवर्क, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क। भाई मान लो ईरान इज अ कंट्री जहां पे, जहां से इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, ठीक है, क्रूड ऑयल खरीदता है, पेट्रोलियम ऑयल खरीदता है। अब उसका इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, तो शिप के थ्रू होता है, बड़ी बड़ी शिप्स के थ्रू होता है, और वो बहुत ही महंगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कहने का मतलब ये चीज़ रिस्की भी हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान के साथ में क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग ईरान से लेके इंडिया तक पाइपलाइन बिछाएंगे, जिसमें अफगानिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी कहां से, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क। ऐसा नहीं कि भाई गुजरात से महाराष्ट्र, एक कंट्री नहीं, अलग अलग कंट्री, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क। अगर हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, लेइंग एंड ऑपरेट, मतलब उसको ले भी किया जा रहा है एंड ऑपरेट भी उसी एसएससी को करना है, दोनों काम उसी को करना है। ऐसा नहीं कि ले किसी और एसएससी ने किया, ऑपरेट कोई और कर रहा है, बेटर डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेइंग एंड ऑपरेट, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, तो लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच पाइपलाइन नेटवर्क, जगह जगह स्टोरेज फैसिलिटीज भी बनाना पड़ेगा। ये एक बिजनेस का नाम है, ये एक बिजनेस का नाम है बेटा। आपको सिर्फ क्या करना है, पाइपलाइन बिछाना है, उसको ऑपरेट करना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस, ठीक है, और जगह जगह स्टोरेज फैसिलिटी बनाना है, बना करके बिछा करके ऑपरेट भी करना है। हु विल बी एलिजिबल, इंडियन कंपनी, बड़ा बिजनेस है बेटा, तो ओनली इंडियन कंपनी एलिजिबल है, या फिर कंसोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनी, ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी, ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी के भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, अडानी पेट्रोलियम, इन सब लोगों ने मिलकर के ग्रुप बनाया, कंसोर्टियम बनाया, और वो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, या फिर एनी अथॉरिटी बोर्ड और कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश बाय अंडर सेंट्रल स्टेट एक्ट, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC, ठीक है, एनी अथॉरिटी और बोर्ड और कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल स्टेट एक्ट, तो वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC वगैरह ये भी हो गए, ठीक है। तो ये एलिजिबल असेसी होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच पाइपलाइन नेटवर्क। अब बेटा आपको बिजनेस कब स्टार्ट करना है, तो नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007, एंड अगर पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल के लिए तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2007 नहीं याद भी रखोगे चलेगा, ठीक है, आप 1 अप्रैल 2009 ध्यान रखना है कि भाई ये बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2009। तो अगर इससे पहले अगर ये पाइपलाइन बिछाया गया है तो उसको इस साल कोई खर्चा करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इस डेट या इसके बाद में ऑन और आफ्टर अगर कोई पाइपलाइन बिछाया है तो इस साल जो भी प्रीवियस 2021 के अंदर जो भी खर्चा करेगा डिडक्शन मिल जाएगा 100%। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सेकंड आपका बिजनेस आता है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउस। आपको पता है कि इंडिया के अंदर लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस जितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है उतना ही वेस्ट हो जाता है, लोग सड़कों में फेंक देते हैं, क्यों, तो खराब हो जाता है, मंडी तक पहुंच नहीं पाता, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच नहीं पाता, क्यों, क्योंकि बेचारा किसान सोचता है कि यार मैं को भाव तो मिल नहीं रहा है मंडी में बेच करके, तो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है वो भी मेरे को रिकवर नहीं होगा, तो इसको फेंक दो। लेकिन अगर वास्तव में उसके पास में स्टोरेज के लिए जगह होगा तो वो उसको स्टोर करके रखेगा, और जब उसको भाव मिलेगा तब उसको बेच देगा। तो उसके लिए बेटा वहां पे क्या होता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी वेयर हाउसेज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, उनको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है आपको पता होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके गोडाउन से उसके वेयर हाउसेज है, बट बेटा उनके जो नंबर्स है ना बहुत कम है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम एक मिलेगा, मैक्सिमम एक मिलेगा,
ठीक है, उससे क्या होगा? तो सरकार क्या बोलती है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई तुम बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, सेटअप भी करो एंड ऑपरेट भी करो, दोनों सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग दोनों एक ही आदमी करना है, सेटअप कोई और करो, ऑपरेट करो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सेटअप करो, ऑपरेट करो, वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एनी एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीआई, कोई भी बिजनेस कर सकता है। बिजनेस शैल बी स्टार्टेड ऑन और आफ्टर 1st April 2009, 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर इस साल खर्चा किया, उसके पहले किया, तो इस साल जो भी खर्चा किया कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बस वो अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल करवाया है वो आप अपने माइंड में रखो। ओके, डन बेटा, डन डन डन, सेकंड डन, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड बिजनेस आता है 2009 का, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। बताई दिया मैंने आपको, क्या आप इंडिया किसी भी कोने में कोल्ड स्टोरेज सेटअप भी करो, ऑपरेट भी करो, सेटअप भी करो, ऑपरेट करो, एनी एसएससी एनी एसजी, बिजनेस स्टार्ट ओनर आफ्टर 1st April 2009। अगर 2020-2021 के अंदर खर्चा किया है आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उससे पहले अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ था कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये 2009 के तीन बिजनेस खत्म हो गए, 2009 के तीन बिजनेस खत्म हो गए। कौन कौन सा बिजनेस 2009 के अंदर? 2009 के अंदर पहला बिजनेस है पाइपलाइन का, दूसरा बिजनेस है वेयर हाउस का, और तीसरा बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज का। लिखते जाओ, पी पाइपलाइन, वेयर हाउसिंग डब्ल्यू, और सी कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। ये तीन बिजनेस हो गए साइड में। अब आता है 2010 बेटा, 2010 के भी तीन बिजनेस है, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया लाइक इज अ कंट्री जहां पे आप जितना घूमो उतना कम है। अतिथि देवो भव, राजस्थान को कुछ ऐसे देखा है ना, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की बात ही अलग है, साउथ इंडिया के अंदर टेंपल्स वगैरह, मतलब लाइक अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखो तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा रिच है अगर हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, लेकिन देर आर नो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। खास करके हम ऐसे एरियाज में चले जाए जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में चले जाए तो आपको होटल्स वगैरह बहुत दूर दूर मिलेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ठीक है आप इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी कोने में क्या बनाओ बेटा, होटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, होटल शुड बी सर्टिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 2 स्टार और अबो कैटेगरी। मतलब 1 स्टार का होटल नहीं चलेगा, मिनिमम 2 स्टार या उससे ज्यादा का, किसी भी इंडिया किसी भी कोने में। एनी एसएससी बिजनेस स्टार्टेड ऑन आफ्टर 1st April 2010, अगर उससे पहले बेटा स्टार्ट हुआ डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर उसके इस डेट को या उसके बाद में स्टार्ट हुआ 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 2021 के अंदर आप खर्च, देखो बेटा अपने को देखना है 2021 के अंदर कितना खर्चा किया है और उसका डिडक्शन मिलेगा अगर नहीं मिलेगा, दीज आर द कंडीशंस। तो होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबो, होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबो इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। फिर 2010 का दूसरा बिजनेस आता है बेटा, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 patient bed इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कोविड ने इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करके रख दिया। लोगों के पास में बेड्स नहीं है, जगह नहीं है सोने के लिए, इलाज उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि क्या हालत है इंडिया की, कहने का मतलब ये चीज है। तो उससे पहले ही सरकार ने 2010 में बोल दिया था कि आप इंडिया के किसी भी कोने में हॉस्पिटल बनाओ, मिनिमम 100 patient bed, मिनिमम 100 patient bed एनी एसएससी, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है ऑन और आफ्टर 1st April 2010 एंड 2021 के अंदर आप कोई भी खर्चा करते हो 100% रिडक्शन मिलेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने 1st April 2010 के पहले अगर हॉस्पिटल स्टार्ट किया था और इस साल मुझे पता चला कोविड आया तो मैंने एक 4 रूम और एक्स्ट्रा बनाए दिए, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया भी है, और मेरा बेटा बिजनेस स्टार्ट किया था 1st April 2010 के पहले, क्या मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया बिफोर 1st April 2010। समझो बात को, मैंने एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर लिया था 2008 के अंदर, 100 patient bed थे उसके अंदर। अब कोविड आया, मैंने सोचा आपदा में अवसर है, मोदी जी जैसा बोला, 4 रूम मैंने और बनवा लिए इस साल 2021 के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 10 लाख का, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा 35AD के अंदर? नहीं मिलेगा, बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे डिडक्शन मिलता रहेगा।
बट अगर मैंने हॉस्पिटल का बिजनेस स्टार्ट किया था ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2010 11 12 13 14 15 16 और मुझे पता चला कोविड आ रहा है, मैंने 5 रूम और बना दिए, 10 लाख का खर्चा किया, क्या मुझे 35 AD में डिडक्शन मिलेगा 2021 के अंदर? यस। मैंने प्लांटर मशीनरी वेंटिलेटर खरीद लिए बेटा, वेंटिलेटर खरीद लिए, टोटल 1 करोड़ के वेंटिलेटर खरीदे 2021 के अंदर, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा बेटा? 100% डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझ में आया बात? मतलब ये चीज है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 100, ठीक है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 पेशेंट बेड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एनी एसएससी ऑनर आफ्टर 1st 2010। और 2010 का तीसरा बिजनेस था डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम, ठीक है, SRA प्रोजेक्ट। मुंबई वगैरह के अंदर आपको पता है कि जो स्लम्स वगैरह होती है उनको तोड़ करके वहां पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, फिर जो लोग स्लम में रहते हैं उनको बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट्स दिए जाते हैं, इनको बोलते हैं स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन स्कीम। क्या बोलते हैं बेटा? स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम। तो गवर्नमेंट बिल्डर्स को बोलते हैं कि काम करो, ये पर्टिकुलर स्लम है उसको तुम तोड़ो, उसकी जगह बिल्डिंग बनाओ, स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंदर फ्लैट्स बनाओ, और जो स्लम के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको भी फ्लैट दो, बाकी आप फ्लैट बेचो भी, कहने का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2010 एनी एसी ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2010 अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 2021 के अंदर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है यू विल गेट 100% डिडक्शन, यू विल गेट बेटा 100% डिडक्शन। लेकिन उसकी भी कुछ शर्त है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कर देते हैं बेचारे, गरीबों को वहां से हटा दिया और आपने खुद ने क्या कर दिया। तो आपने गरीबों को हटा दिया और वहां बिल्डिंग बना दी, उनको जगह भी नहीं दी, कहने का मतलब। तो ये जो SRA प्रोजेक्ट होते हैं ना बेटा, ये SRA प्रोजेक्ट क्या होते हैं? गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेके करना पड़ता है, ठीक है। तो डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस एनी एसएससी बिजनेस शैल बी स्टार्टेड ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2010 अगर इस साल आपने खर्चा किया 100% डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने उससे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था इस साल खर्चा किया कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 1st अप्रैल 2010 के बाद में 3 बिजनेस, एक होटल, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा हाउसिंग। एक होटल, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा हाउसिंग, राइट। ये 1st अप्रैल 2010 के 3 बिजनेस। अब बेटा 1st अप्रैल 2011 आता है, 2 बिजनेस है। ये तो था स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग। 2011 के अंदर बोला गया कि अगर आप डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फ्रेम बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड बाय CBET, ठीक है, एनी असेसी 1st अप्रैल 2011 के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया है, करंट ईयर में खर्चा करोगे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। व्हाट इज अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम? मोदी जी ने बोला था कि 2022 तक हर एक भारतीय को घर मिल जाएगा, और घर की कीमत आपको पता आज की तारीख में क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पहले स्कीम निकाली थी कि भाई बिल्डर लोगों को बोला कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ, जिनकी साइजेस कम हो, छोटे छोटे मतलब कॉम्पैक्ट हाउसेस हो, ठीक है, ताकि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी ऐसे हाउसेस को अफोर्डेबल, जैसे कि माड़ा के हाउसेज होते हैं मुंबई के अंदर, आपको पता होगा माड़ा के हाउसेज, दिल्ली के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो फ्लैट्स बना करके लॉटरी सिस्टम में मुंबई के अंदर माड़ा में लॉटरी सिस्टम में निकाले जाते हैं, ठीक है, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉटरी सिस्टम में फ्लैट्स निकालती, वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, कहने का मतलब। तो पहले तो माड़ा, DDA, हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अलग अलग अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी वही करती, लेकिन ये लोग कितने फ्लैट्स बनाएंगे बेचारे, इनकी भी एक लिमिटेशन होती है, इसीलिए तो लॉटरी सिस्टम है, कहने का मतलब, क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा है, फ्लैट्स बहुत कम होते हैं वहां पे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई सारा बोझ इनके ऊपर मत दो, प्राइवेट सेक्टर बिल्डर भी अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ और बेचो उनको, लेकिन उनका प्राइसिंग अफोर्डेबल होना चाहिए, एंड वो जो आपका स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, ताकि फिर ये डिसाइड जो कितना एरिया है, क्या फ्लैट का वहां पे किस तरीके का क्वालिटी रहेगा, क्या उसका प्राइसेस रहेगा, वो सारा का सारा इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए।
तो अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1st of 2011 और 2021 के अंदर को खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 100% क्या मिल जाएगा बेटा, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो एनी एसएससी ऑन और आफ्टर 1st of 2011 और उसके बाद में दूसरा बिजनेस 2011 का कि अगर आपने कोई प्लांट लगाया है, न्यू प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, कि जैसे कि पता है कि भाई एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, वो वेयर हाउस का भी क्या करोगे अगर अच्छा फसल ही पैदा नहीं होगा, कहने का मतलब ये चीज है। तो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स के ऊपर बहुत जोर दे रही है कि भाई आप नया प्लांट लगाओ फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए, या फिर आपका ऑलरेडी अगर फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन चल रहा था तो जो पुराना प्लांट था उसकी कैपेसिटी को आप क्या करो, न्यूली इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, आप कैपेसिटी को वहां पे न्यूली इंस्टॉल कर दो। इधर यू आर, ठीक है, सेटिंग अप अ न्यू प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, या फिर जो ओल्ड प्लांट है उसको ही आप न्यूली इंस्टॉल कैपेसिटी कर दो एग्जिस्टिंग प्लांट का फर्टिलाइजर्स के लिए। एनी एसएससी ऑन और आफ्टर 1st April 2011 100% डिडक्शन मिलेगा अगर 2020-21 में खर्चा किया है। तो बेटा 2011 के भी दो बिजनेस, एक कौन सा, एक है हाउसिंग का अफोर्डेबल और दूसरा है फर्टिलाइजर्स HF। अब 2012 के तीन बिजनेस आते हैं। तो अगर बेटा आप क्या कर रहे हो, एक किसी इनलैंड कंटेनर, यू आर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन अप्रूव्ड बाय नोटिफाइड कस्टम एक्ट पोर्ट के ऊपर, जैसे कि मान लो शिप यूएसए से एक शिप आया जो बहुत सारे कंटेनर्स में सामान लेकर के आया। अब वो शिप तो वापस यूएसए चला जाएगा, आपने बोला मैं मेरा कंटेनर अभी तो कोविड का लॉकडाउन है तो मैं तो लेने अभी तो नहीं आऊंगा, एक महीने बाद में लॉकडाउन खुलेगा तब अपना कंटेनर लेने के लिए आऊंगा, तो क्या वो शिप आपके लिए वेट करेगा क्या वहां पे पोर्ट पे, कि नहीं साहब आप जब तक कंटेनर लेने के लिए नहीं आते तब तक हम आपका वेट करेंगे यहाँ पे। शिप बोलेगा ये पड़ा तुम्हारा कंटेनर हम जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही फेंक के नहीं जा सकते ना बेटा। तो उस पोर्ट के ऊपर ही कुछ ऐसे वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, ऐसे डिपो बनाए जाते हैं, वेयर हाउस बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहां पे वो कंटेनर्स रखे जाते हैं। फिर वहां से मान लो मैं अपनी फैक्ट्री में लाऊंगा, या मान लो वहां से मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो फिर से भेज दूंगा, समझा बेटा, बस उसके लिए मैं रेंट भी पे करूंगा उस डेपो को या कंटेनर फ्रेट स्टेशन को। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या बनाओ, ऐसे इनलैंड कंटेनर डेपो बनाओ या कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाओ, ठीक है, पोर्ट्स के ऊपर। तो आप सेटअप करो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ठीक है, एनी एसएससी ऑन और आफ्टर 1st April 2012 100% डिडक्शन मिलेगा 2021 में कोई खर्चा किया है तो। बाबा रामदेव का बिजनेस, बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी और बीज वैक्स। बाबा रामदेव पता है ना, पतंजलि का शहद खाइए, ठीक है, और केमिकल वाले शुगर से मुक्ति पाइए, बाबा रामदेव ऐड करते रहते हैं, पता होगा आपको, ठीक है, सबसे घटिया हनी आता है, उससे अच्छा डाबर खाता है या कुछ और वहां पे आते हैं, लेकिन बाबा रामदेव अभी क्या बोले। बाबा रामदेव का बिजनेस आपको मैं बता दूं बेटा, ये बी कीपिंग है ना, बी कीपिंग प्रोडक्शन हनी, इंडिया इज द, कहते हैं ना, पूरी दुनिया में नंबर वन है इन केस ऑफ हनी प्रोडक्शन, यस, मिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे है और हनी प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में, और हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस है बेटा, क्योंकि फॉरेन करेंसी आती है। तो यह बिजनेस भी स्पेसिफाइड बिजनेस है, और सरकार क्या बोलती है, और आपको मैं बता दूं, आप गूगल सर्च करना, आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो IIT IIM से पढ़ करके, इवन आई नो सम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, दे हैव स्टार्टेड देयर स्टार्टअप और प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी कीपिंग का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, प्रोडक्शन हनी का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, कहने का मतलब ये चीज है। ऑनलाइन भी अगर आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह भी देखोगे तो उसमें भी कई सारे एड्स वगैरह आ जाते हैं कि भाई प्योर हनी ये वो ये चीजें, तो ये बहुत ही सही बिजनेस है, और आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो। तो आपका बिजनेस अगर बी कीपिंग मधुमक्खी पालन और प्रोडक्शन ऑफ हनी और बीज वैक्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना बेटा, उससे वैक्स बनता है, मोम बनता है, जो मोम होता है ना, मोम मतलब वो मोम बनता है उस बीज मधुमक्खी के छत्ते से, ठीक है, वैक्स बनता है। तो इधर यू आर डूइंग बी कीपिंग और प्रोडक्शन ऑफ हनी और बीज वैक्स,
ठीक है, बाबा रामदेव का बिजनेस, ऐसे याद रखो बाबा रामदेव का बिजनेस, ठीक है। तो यू विल गेट सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सॉरी बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑनी और बीज वैक्स एनी एसएससी, बिजनेस स्टार्ट किया ओनर आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो अगर 2021 में खर्चा किया 100% रिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, शरद पवार का बिजनेस, शरद पवार का, एक बाबा रामदेव दूसरा शरद पवार, ठीक है। दोनों में कॉम्पिटिशन चला, वो बोलता है मैं शक्कर बेचूंगा, वो बोलता है मैं हनी बेचूंगा, ठीक है। दोनों ही अपने अपने बिजनेस के किंग है, शरद पवार इज ऑल्सो किंग ऑफ शुगर बिजनेस महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो शुगर वेयर हाउसिंग शुगर, शुगर आपको पता है इंडिया के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंसान सुबह उठता है तो चाय के साथ में शुरुआत करता है शुगर, रात को सोने से पहले दूध पीता है उसमें भी शुगर चाहिए, कोई फेस्टिवल हो, कोई मर रहा है, कोई शादी हो रहा है, हर जगह मतलब वहां पे मीठा बनता है, कहने का मतलब इंडिया में। तो शुगर इज अ, एक कहते हैं ना कि यहाँ पे एक सेंटिमेंटल कनेक्शन है शुगर के साथ में। यूपी में तो मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई थी एक बार, मतलब शुगर के चक्कर में, कि उधर गन्ना बेल्ट है जो वेस्टर्न यूपी है, वो मुजफ्फरनगर वगैरह सब गन्ना बेल्ट है वहां पे, ठीक है। तो वो गन्ने का भाव थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है वहां पे शुगर केन का, तो किसान लोग आंदोलन कर देते हैं वहां पे। तो शुगर का आपको पता है कि भाई भाव बढ़ जाता है, खास करके जब दिवाली आती है, ऐसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग हाहाकार करने लग जाते हैं कि यार शुगर का इतना भाव बढ़ गया, फिर गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो शुगर का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वेयर हाउस क्या 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 अगर आप सेटअप करते हो, यू आर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, एक देखो दो वेयर हाउस आ गए, एक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दूसरा आ गया स्टोरेज ऑफ शुगर। एनी एसएससी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बिजनेस स्टार्ट किया, 100% रिक्शा मिलेगा, 2021 के अंदर खर्चा करोगे। तो ये 2012 के तीन बिजनेस, आई इनलैंड कंटेनर डिपो, प्रोडक्शन ऑफ हनी बी, बी कीपिंग एंड डब्ल्यू वेयर हाउस फॉर शुगर IBW। अब आता है 2014 के दो बिजनेस, 2014 के दो बिजनेस, ठीक है। पहला बिजनेस है बेटा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बनाते वेफर फैब्रिकेशन, जो फैब्रिकेटेड यूनिट्स होती है। तो अगर वहां पे आप का बिजनेस है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2014, 100% रिडक्शन मिलेगा। और नेक्स्ट आता है लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन, आयरन मतलब जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो आयरन होता है, स्टील होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाइपलाइन बनाई जाती है वो उसी से बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्लरी पाइपलाइन। क्या बोलते हैं बेटा? स्लरी पाइपलाइन। ये दूसरा ये पाइप, वो पाइप पहला पाइपलाइन था फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ऑयल, और ये स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्ट आयरन और लिक्विड फॉर्म में जो आयरन रहता है, आयरन ओर रहता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्ट आयरन ओर एनएससी 1 अप्रैल 2014, 100% रिडक्शन मिलेगा अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो, ठीक है। तो आपका 2014 के अंदर दो बिजनेस, एक होता है एस, दूसरा होता है पी पाइपलाइन, एस फॉर स्लरी, एस फॉर सेमीकंडक्टर एंड पी फॉर पाइपलाइन। एंड 2017 के अंदर लास्ट बिजनेस आता है बेटा डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग। देखो डेवलपिंग बीच में और है, तो या तो आप डेवलप कर रहे हो, बस खाली डेवलप कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, या फिर आप क्या करो, आप डेवलप नहीं कर रहे हो, आप खाली मेंटेन कर, डेवलप किसी और ने किया तो आप मेंटेन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मेंटेन ऑपरेट कर रहे हो, या फिर आप डेवलप मेंटेन ऑपरेट तीनों कर रहे हो। अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्या कर रहे हो बेटा? इधर यू आर डेवलपिंग, अच्छा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है बेटा वो आप लिख दो यहां पे, नीचे लिख रहे हो, नीचे लिख देना न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मींस, अच्छा एक मिनट ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का ना, इसके आगे लिखो इट मींस दैट इज, ठीक है, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट अलोंग विथ, हाउसिंग प्रोजेक्ट अलोंग विथ अदर फैसिलिटीज,
जैसे कि मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा, पूरा का पूरा पैकेज में पूरा का पूरा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जहाँ पे मॉल्स भी रहेंगे, शॉपिंग मॉल भी रहेगा, थिएटर भी रहेगा, मल्टीप्लेक्स भी रहेगा, मैकडोनल्ड्स भी रहेंगे, पेट्रोल पंप्स भी रहेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस भी रहेंगे, हॉस्पिटल्स भी रहेंगे, वो पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है, हॉस्पिटल हाउसिंग प्रोजेक्ट अलोंग विथ अदर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज, सीवरेज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, अगर इस तरह का है इसको बोलेंगे बेटा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर या तो आप सिर्फ डेवलप कर रहे हो, सपोज ये डिसाइड हुआ कि भाई नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनेगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, मैं सिर्फ डेवलप कर रहा हूं, तो बेटा अगर मैं डेवलप कर रहा हूं और अगर वो मेरा बिजनेस 1 अप्रैल ऑनर आफ्टर 1/17 स्टार्ट हुआ है और 2021 के अंदर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, मैंने डेवलप कर लिया, मुझे तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मैंने डेवलप किया वहां पे। उसके बाद में मेंटेन एंड ऑपरेट आप कर रहे हो, आप एक कंपनी हो, आपका काम है खाली उसको मेंटेन करना और क्या करना बेटा, ऑपरेट करना। तो आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ ओनर आफ्टर 1/17। या फिर एक कंपनी है जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट, आपको पता होगा इंटरनेशनल GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो उसने उसको डेवलप भी किया, मेंटेन भी वो कर रहा है, ऑपरेट भी वो कर रहा है और उसका बिजनेस ओनर आफ्टर 1/17 स्टार्ट हुआ, 100% डिडक्शन मिल जाएगा और 2021 के अंदर खर्चा हुआ है, डन बेटा। तो ये यहां पे आप लिख दो न्यू इंफ्रा। तो ये आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है, PWC HHF IBW SP न्यू इंफ्रा, ये आ जाओ, ये कीवर्ड हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं, वो ध्यान से सुनना ताकि आपको बिजनेस का नाम याद हो जाएगा और ये जो कौन सी ईयर में स्टार्ट होना चाहिए वो भी याद हो जाएगा, ठीक है, समझो बात को, कहानी सुनना अच्छे से। इन 2009, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा पहले, इन 2009 बेटा आपको पता है सत्यम का स्कैम हुआ था, PWC का, देयर इज अ स्कैम ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स जो PWC ने किया था, PWC पता है आपको, ठीक है, तो PWC ने सत्यम का स्कैम किया था 2009 के अंदर, किसने किसने बेटा, PWC ने कब सत्यम का स्कैम कब किया था, 2009 में, एक्चुअली 2009 में हुआ था। तो PWC ने सत्यम का स्कैम किया 2009 में, ऑडिट का फ्रॉड किया था, PWC ने ऑडिट का फ्रॉड किया 2009 के अंदर। तो 2009 के अंदर पी फॉर पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लेइंग एंड ऑपरेटिंग पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड सी फॉर कोल्ड स्टोरेज, राइट, ये हो गया PWC। तो 2009 के अंदर किसने 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 PWC ने ऑडिट का फ्रॉड किया था, पाइपलाइन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पाइपलाइन, वेयर हाउस, कोल्ड, 2009। तो 2010 के अंदर वो WWE जो होता है उसके अंदर एक फाइटर लड़ता है, उसका नाम है HHH, कौन कौन कौन, HHH करके एक फाइटर है, ठीक है, वो लड़ता है WWE, उसको बुलाया गया इंडिया में कि तू आकर के ऑडिट करते से क्या सब लोग डरेंगे, तो तू आकर के 2010 के अंदर, 2009 के अंदर सत्यम का स्कैम हुआ, PWC ने स्कैम किया, पाइपलाइन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, तो 2010 के अंदर HHH को बुलाया गया, ऑडिट करने के लिए। तो HHH आते ही सबसे पहले एयरपोर्ट से, पास में होटल पड़ता था, होटल गया सबसे पहले, क्या गया बेटा, होटल गया, और वो होटल 2 स्टार का था, क्यों, गवर्नमेंट ने बुलाया तो गवर्नमेंट तो सस्ते वाले में ही वहां पे उसको डालेगा, तो होटल था 2 स्टार, अब वो 2 स्टार अब वाला वहां पे होटल था। अब उसने वहां पे वो कौवा बिरयानी खा लिया, ठीक है, उसको चिकन बिरयानी बोल करके कौवा बिरयानी बेचारे को दे दिया HHH को, फॉरेनर इसको समझेगा नहीं, 2 स्टार का होटल था, 5 स्टार होटल था, चिकन बिरयानी मिलता वहां पे, बट वो 2 स्टार, तो क्या कर दिया उसको 2010 के अंदर, आते होटल गया HHH और उसको कौवा बिरयानी खिला दिया, तो बेचारे का वहां पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उसको उठा के ले जाना पड़ा हॉस्पिटल पास में जहां पे ऑलरेडी 100 पेशेंट्स लेटे हुए थे,
जहां पे ऑलरेडी 100 पेशेंट क्या हुआ थे, लेट हुआ था 100 पेशेंट, मतलब 100 बेड वाला, 100 पेशेंट वाला वहां पे आपका 100 बेड्स वाला, ठीक है, 100 पेशेंट बेड वाला हॉस्पिटल। फिर वहां पे वो थोड़ा सा ठीक हुआ, उसका इलाज हुआ, तो उसको वहां पे पास में धारावी में स्लम के अंदर हाउस दे दिया गया, स्लम के अंदर हाउस दे दिया गया। सरकारी काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो आपको समझ में आ गया। तो देखो 2009 के अंदर पीडब्ल्यूसी पाइपलाइन, ठीक है, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज। 2010 के अंदर टिपला जाता है, हाथी सबसे पहले होटल भेजते हैं 2 स्टार, जहां पे वो कौवा बिरयानी खाता है, फिर उसका फूड पॉइजनिंग हो जाता है, फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं, 100 पेशेंट ऑलरेडी लेटे हुए थे, मिनिमम 100 पेशेंट बेड, फिर वहां पे उसको स्लम के अंदर हाउस देते हैं, स्लम के अंदर हाउस देते, 2010 हो गया। अब टिपला इज नाराज हो गया कि यार मैं इतना बड़ा सुपर स्टार और तुम मेरे को स्लम के अंदर हाउस दे रहे हो, तो उसको बोला तू टेंशन मत ले, 2011 नए साल के अंदर तेरे को अफोर्डेबल माड़ा का घर दे देंगे। किसा घर दे देंगे? माड़ा का, थोड़ी तेरी इज्जत बढ़ा देंगे, माड़ा घर देंगे, दे देंगे। तो 2011 के अंदर उसको माड़ा का घर दे दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग दे दिया। और क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो उसको खाने के लिए फर्टिलाइजर दे दिया गया, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान तो है नहीं, वो ट्रिपल एच है, तो वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेगा, कहने का मतलब तो उसको खाने के लिए तू फर्टिलाइजर खा। तो 2011 के अंदर उसको माड़ा घर दिया, माड़ा के घर में बंद कर दिया और फर्टिलाइजर खाने के लिए दिया। बोले पूरे साल तो फर्टिलाइजर खा करता रहे, क्योंकि तेरे को अगले साल बाबा रामदेव और शरद पवार का ऑडिट करना है कंटेनर में बैठ करके। अगले साल तेरे को कंटेनर में, क्योंकि बाहर तो आएगा तो बाबा रामदेव बहुत पावरफुल आदमी है, ठीक है, वो तेरे को मरवा डालेगा, शरद पवार पावर वो तेरे को मरवा डालेगा, उनका ऑडिट करने का, चोर लोग का ऑडिट करने का है। तो एक इंग्लैंड कंटेनर के अंदर बैठ के तेरे को बाबा रामदेव शरद पवार का ऑडिट करने का नेक्स्ट ईयर, मतलब 2012 के अंदर। तो 2012 के अंदर उसने इंग्लैंड कंटेनर डिपो के अंदर, इंग्लैंड कंटेनर के अंदर बैठ करके, अच्छा 2011 के अंदर उसको क्या अफोर्डेबल हाउस दिया एच और फर्टिलाइजर खाने के दिया एफ वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर इंग्लैंड कंटेनर के अंदर बैठ करके बी कीपिंग बाबा रामदेव एंड शरद पवार वेयर हाउस फॉर शुगर उनका ऑडिट किया, आईबीडब्ल्यू 2012 के अंदर आईबीडब्ल्यू। फिर उसने सक्सेसफुली ऑडिट कर दिया, 2013 भी उसको अंदर ही रखा गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। 2014 को उसको बाहर निकाला तो मोदी जी आ चुके थे, मोदी जी ने उसको एसपी बना दिया। क्या बना दिया उसको? एसपी बना दिया कि आज से तुम एसपी हो। क्या हो? एसपी हो। और उसकी पूरी बॉडी पे सेमीकंडक्टर्स वगैरह ऐसे लगा दिया, आयरन मैन टाइप, मतलब पूरा एकदम, ताकि उसको कोई टच करे तो करंट आए, बहुत ही भारी आदमी है, एसपी बना दिया। तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन 2014 के अंदर लगाया गया उसको, और वहां पे उसकी पूरी बॉडी पे आयरन ओर, ऐसे अज्यूम करो कि लिक्विड आयरन, आयरन मैन बनाया ना, तो लिक्विड आयरन उसकी बॉडी पे मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है। एसपी, तो एस फॉर सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड पी फॉर पाइपलाइन फॉर स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ आयरन ओर, राइट। और ये सब करने की वजह 2017 के इंडिया न्यू इंडिया बन गया, न्यू इंडिया बन गया, ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार हो गया, क्योंकि सारे जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग थे वो सब जेल में चले गए। इस कहानी के पात्र और घटना काल्पनिक या वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, अगर ऐसा पाया जाता है मात्र एक सहयोग माना जाए। ट्राई करना ये स्टोरी एक दो बार और करना, तो सारे बिजनेस के नाम याद हो जाएंगे और ईयर भी याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ओके चलो। तो ये आपका 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब देखो इसके कुछ और कंडीशंस भी है, देयर सम अदर कंडीशंस आल्सो, ये नीचे अदर कंडीशंस दे रखी है लाइन से कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज अलाउड इफ फॉलोइंग एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई। पहला, बिजनेस शुड बी न्यूली एस्टैब्लिश्ड, बिजनेस नया होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं है कि आप पुराने बिजनेस को स्प्लिट अप करके या रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट बिजनेस करके, ना ना ना, आपको नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने 35AD में बेटा डिडक्शन लिया है तो किसी और सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि 100% तो डिडक्शन ले लिया है, तो डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ असेसी शैल नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, या तो ये वाला डिडक्शन या दूसरे ले लो, ठीक है। तो डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इफ असेसी शैल नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। चैप्टर 6 से डिडक्शन, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, तो वैसे भी अभी हटा दिया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एंड एनी अदर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स, मतलब किसी प्रोविजन में कोई और डिडक्शन नहीं लेता है। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड इन बिजनेस शुड बी न्यू, प्लांट एंड मशीन नया होना चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगा। हाउएवर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड फॉर डिडक्शन एज फॉलो। देखो अगर इंडियन सेकंड हैंड है तो मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है। सपोज टोटल प्लांट एंड मशीनरी है 100 रुपीज का, 100 रुपीज का। अब क्या बोलता है बेटा कि अगर आपको सेकेंड हैंड यूज करना है, तो अगर मान लो वो इंडियन सेकेंड हैंड है, इंडियन सेकेंड हैंड है बेटा,
इंडियन सेकेंड हैंड है तो मैक्सिमम 20 रुपीज का हो सकता है, तब तो रिडक्शन क्या हो जाएगा अलाउड। ये देखो ये 100 का 20% मैक्सिमम 20 का हो सकता है, अगर 21 का हुआ बेटा तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा अगर इंडियन सेकेंड हैंड। फॉरेन सेकेंड हैंड कितना भी हो सकता है बेटा, फॉरेन सेकेंड हैंड कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर बेटा फॉरेन सेकेंड हैंड आपका सपोज 40 है, चले या कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस जो होना चाहिए वो न्यू होना चाहिए। तो 20 इंडियन सेकेंड हैंड, फॉरेन का सेकेंड हैंड 40 है, ठीक है, फॉरेन का भले रिमेनिंग 80 फॉरेन का सेकेंड होता तो भी चल जाता, बट हमने फॉरेन का सेकेंड हैंड 40 लिया, इंडियन का 20 है, तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस मतलब कितना, 40 वो न्यू होना चाहिए, मतलब इंडिया का न्यू होना चाहिए, समझा बेटा, समझा। अगर ये 21 होता तो फिर डिडक्शन आपका 35AD के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई इंडियन सेकेंड हैंड मैक्सिमम 20% टोटल प्लांट है मशीनरी, और फॉरेन सेकेंड हैंड एनी अमाउंट। नेक्स्ट आता बेटा कंडीशन ओनली फॉर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोल, उसी के लिए कि आपका जो बिजनेस है वो अप्रूव होना चाहिए PNGRB। PNGRB मतलब पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, उसे अप्रूव होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने पाइपलाइन बिछाया है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पाइपलाइन बिछाया है। अच्छा ये बेटा एक और चीज, ये लास्ट वाले में जो बिजनेस एसएससी है ना, एलिजिबल एसएससी, वो इंडियन कंपनी कंसोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनी और जो भी मतलब ग्रुप वाला और एनी अथॉरिटी बोर्ड सेटअप अंडर सेंट्रल स्टेट एक्ट, जैसे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, MMRDA, DDA, ठीक है, ये सारे के सारे वहां पे आ जाएंगे, जो फर्स्ट वाला था वही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या बोलता है कि भाई आपका जो बिजनेस है PNGRB से अप्रूव होना चाहिए, खाली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला। दूसरा, अगर आपने मान लो रिलायंस ने पाइपलाइन बिछाया तो बोल नहीं सकता कि इसमें से जो बूंद बूंद तेल आएगा सिर्फ मेरा ही आएगा, नहीं, सरकार ने भाई ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान से बातचीत करी है, सिक्योरिटी दिलवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई अडानी भी मंगाना चाहे, कोई ONGC से मंगाना चाहे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मंगाना चाहे, तो उनको भी अलाउ करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी शैल बी मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय अदर्स ऑन कॉमन करियर बेसिस, पोर्शन मेड अवेलेबल 1/3 फॉर नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का पाइपलाइन है तो 1/3 दूसरों को देना पड़ेगा, और पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल है तो 1/4 दूसरों को यूज करने के लिए देना पड़ेगा अगर कोई मांगता है तो। दूसरा, कोई और कंडीशन जो PNGRB वहां पे करता है तो वो भी करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, हमने एक्चुअल कॉस्ट में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो 2021 के अंदर और जिसका आप डिडक्शन लेना चाहते हो बेटा, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था कि ये 15 CR का डिडक्शन मिलेगा, मान लो इस 15 CR में से 10 लाख आपने कैश में पेमेंट किया था सिंगल पर्सन सिंगल डे, तो बेटा ये 10 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो 14.90 CR आपने अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे ही, ड्राफ्ट ECS वगैरह से पेमेंट किया था, तो उनका डिडक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, वही कॉन्सेप्ट एक्चुअल कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि इफ एनी अमाउंट इज पेड टू अ पर्सन इन अ डे, सिंगल पर्सन सिंगल डे, सिंगल पर्सन सिंगल डे एक्सीडिंग ₹10,000, एक्सीडिंग ₹10,000 अदर देन अकाउंट पे ही चेक, अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट, अदर देन ECS, तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, तो वैसे यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये 15 CR का आपने खर्चा किया प्लांट मशीन पे, बट 10 लाख आपने कैश में पेमेंट किया, तो बेटा वो 10,000 से ज्यादा हो गया सिंगल पर्सन सिंगल डे, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल सकता है, बेटा कॉस्ट का ही पार्ट नहीं होगा, समझो बात को, वो एक्चुअल कॉस्ट का ही पार्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, समझा। बट हाँ, जो वो 14.90 CR है, जो 14.90 CR है वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट में ड्राफ्ट, ECS से पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अमाउंट एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर आपने बिजनेस शुरू होने से पहले कोई खर्चा किया है, एग्जाम्पल देता हूं, कॉपी कर लेना बेटा, कॉपी कर लेना बेटा, सपोज अगर वहां पे नोट्स में जगह हो तो उधर ही कर लेना। सपोज ये मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर, कौन सी डेट को, 1st August 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया, 1st April 2020, 31st March 2021, ये मेरा इस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ 1st August 2020 को।
अब बेटा मैंने खर्चा किया है बिजनेस शुरू होने से पहले, तो बिजनेस शुरू होने से पहले मैंने सपोज 1920 में भी एक्सपेंस किया होगा, 1819 के अंदर भी किया होगा, 1718 के अंदर भी किया होगा, 1617 के अंदर भी किया होगा, 1516 के अंदर भी किया होगा। सपोज 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ठीक है 150 करोड़ एंड 100 करोड़, टोटल मैंने इतना खर्चा किया, टोटल कितना हो गया, तो 250 एंड 750 एंड 950 एंड 1050 CR ये मैंने खर्चा किया है। अब बेटा ये खर्चा किया है, बिजनेस मेरा स्टार्ट हो रहा 2021 के अंदर, तो क्या ये 1050 CR का डिडक्शन मिलेगा? बेटा बिल्कुल डिडक्शन मिलेगा। इन विच ईयर? अच्छा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, अगर मान लो इसमें से रुपीज 350 का कॉस्ट ऑफ लैंड है, 350 का कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल है एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो बेटा इनका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। लेकिन जो रिमेनिंग आपका 700 करोड़ है बेटा, वो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कोई 3 साल का क्राइटेरिया होता ना बेटा तो बर्बाद हो जाता, तो पाइपलाइन बिछाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस केस में तो भाई पूरा डिडक्शन देना पड़ेगा। तो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35AD, ठीक है, कौन से ईयर में, जब बिजनेस कमेंस हो रहा है, इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस स्टार्टेड। तो अपने केस में कौन सा, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021, बट इसी कंडीशन है, इफ जितना भी है एक्सपेंडिचर, ये देखो 700 CR, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, ठीक है, कैपिटलाइज इन द बुक्स, कब, ऑन फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस स्टार्टेड, फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस स्टार्टेड, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ आपको बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्टेड, तो अपने केस में दैट इज 1 अगस्त 2020 को कैपिटलाइज करना पड़ेगा सारा का सारा एक्सपेंस, तब तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड बेटा, कौन से ईयर में, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, डन बेटा, कॉपी कर लिया आपने ये, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपने कोई भी पहले खर्चा किया है तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज स्टार्टेड, प्रोवाइडेड दीज एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन कर लेना, प्रोवाइडेड, एक तो जिस साल में डिडक्शन मिलता है वो कर लो, इन द प्रीवियस ईयर इन द बिजनेस इज स्टार्टेड, प्रोवाइडेड दीज एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय ऑफ असेसी इन फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ ऑफ लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, कि भाई मान लो मेरे 2 स्पेसिफाइड बिजनेस है, टोटल तीन बिजनेस है, एक कोल्ड स्टोरेज, ये स्पेसिफाइड है, दूसरा है वेयरहाउस फॉर शुगर, ये भी स्पेसिफाइड है, और तीसरा है कोचिंग बिजनेस, ये नॉन स्पेसिफाइड है, राइट। अब बेटा बात समझना, सपोज इससे मुझे लॉस हो गया, नेगेटिव लिख रहा हूं मैं, रुपीज 100 लाख का, और इससे मुझे प्रॉफिट है रुपीज 20 लाख का, 50 लाख का, 70 लाख कर देता हूं, तो ये तो लॉस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओके। सो
ये बेटा आपका 70 लैक्स वहां पे क्या हो जाएगा, 70 लैक्स प्रॉफिट है। एंड सपोज हियर इज लाइक प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80 लैक्स। नाउ माय क्वेश्चन इज लाइक इज दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस प्रॉफिट? बोले यस सर, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा बेटा लॉस, लेकिन आप देखोगे स्टिल देयर इज अ लॉस ऑफ 30 लाख रह गया। तो क्या ये सेट ऑफ हो सकता है क्या बेटा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस? नो बेटा, ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का सेट ऑफ हो सकता है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं हो सकता। तो बेटा ये 30 लाख से क्या होगा, तो ये 30 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर अनलिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड। और फ्यूचर में भी ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने सेट हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस क्यों ना हो। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड, कॉपी कर लिया आपने ये? तो यही देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑफ लॉसेस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। Losses from specified business can be carried forward for unlimited period. वो unlimited period के लिए carry forward हो सकते हैं। अब बेटा audit of books वगैरह तो ठीक है भाई, आपको अगर 35AD में deduction लेना है तो CA के पास में audit भी करवाना पड़ेगा, that's fine। ठीक है, सारे business में देखो जहां पे लिखा हुआ setup, operate, develop, building, laying and operating, वो साथ में condition है, दोनों एक ही आदमी करेगा। But in case of hotel business, अगर वहां पे बनाया किसी और ने, ऑपरेट कोई और कर रहा है, चलेगा। तो होटल वाले केस में दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जो खर्चा करेगा उसको डिडक्शन मिलेगा इन प्रीवियस 2021, बट बाकी सारे केस में लेइंग ऑपरेटिंग वो सब एक साथ में कंडीशन है। एक बेटा चीज आता है कि अगर आपने असेट जो कि शेल बी यूज्ड इन स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 80, जो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में असेट खरीदा जिसका आपने डिडक्शन लिया अंडर सेक्शन 35AD, अंडर सेक्शन 35AD डिडक्शन ले लिया बेटा, 100% डिडक्शन ले लिया बेटा, तो फिर आपको उसको स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना है फॉर 8 years, मिनिमम 8 years, ये कंडीशन है। आप उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं तो लोग क्या करेंगे, मान लो मेरे दो बिजनेस है, एक कोचिंग बिजनेस है, एक वेयरहाउस का बिजनेस है। तो मान लो मेरे को कोचिंग बिजनेस के लिए AC चाहिए, तो कोचिंग बिजनेस में AC लूंगा उधर तो मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई फायदा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, AC खरीदूंगा वेयरहाउस में, उधर 100% डिडक्शन ले लूंगा और अगले साल मैं कोचिंग बिजनेस में उसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। समझे ना बात, मतलब चीटिंग करूंगा वहां पे ये चीज़। तो क्या बोलता है, नहीं, इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, देन यू हैव टू कंपल्सरीली यूज दैट पर्टिकुलर असेट इन स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली फॉर मैक्सिमम हाउ मच ईयर्स, 8 years। मैक्सिमम 8 years आपको कंपल्सरीली वहां पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इन स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। बट सपोज यू हैव ट्रांसफर्ड दैट असेट टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन एट ईयर्स, देन व्हाटएवर डिडक्शन यू हैव क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, व्हाटएवर डिडक्शन यू हैव क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, इट शैल बी विड्रॉल एंड इट विल बी टैक्सेबल एज PGBP इनकम अंडर सेक्शन 28। अंडरस्टूड बेटा? इट शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट PGBP अंडर सेक्शन 28, राइट? तो ये देखो कुछ इस तरीके से कि बेटा यहां पे असेट परचेज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर मिनिमम 8 years फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज क्लेम इफ ड्यूरिंग such 8 years असेट शिफ्टेड टू नॉन स्पेसिफाइड। मैं बेच नहीं रहा हूं बेटा, I am just shifting my asset from specified to non-specified, right? Specified business of SSC, then following amount shall be taxable under section 28 as PGP. तो देखो, जिस साल में मैंने transfer किया, suppose मैंने 100 रुपए का, एक समझना बात को, 100 रुपीज का मैंने एक asset खरीदा था, 100 रुपीज का building, और first year में मैंने उसका deduction ले लिया under section 35AD. ठीक है, अंडर सेक्शन 35AD कितना, 100 रुपीज का बेटा, 100 रुपीज फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर 100 रुपीज का मैंने डिडक्शन ले लिया। अब बेटा मैं ईयर 3 के अंदर क्या करता हूं, ईयर 3 को अंदर उसको मैं शिफ्ट कर देता हूं नॉन स्पेसिफाइड के अंदर, तो ईयर 3 के अंदर डिडक्शन विड्रॉ होगा, तो कितना डिडक्शन विड्रॉ होगा बेटा,
तो जितना मैंने डिडक्शन लिया था 35 AD के अंदर, 100 rupees लिया था डिडक्शन, उसमें से मान लो भाई, अगर मैं मान लो 35 AD का डिडक्शन क्लेम नहीं करता तो मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता ना, तो नोशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा 2 years का. डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज ऑन सच एसेट, उसको बोलेंगे नोशनल डेप्रिसिएशन. तो बेटा बिल्डिंग था तो 2 साल का डेप्रिसिएशन होता 19. अगर ये जिस साल में अक्वायर किया था पुट टू इज लेस देन 180 days था, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हाफ लूंगा बेटा, ठीक है. बट यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग, ठीक है, पुट टू इज 180 days मोर था, तो 19 दो साल का डेप्रिसिएशन हुआ, 2 years का डेप्रिसिएशन, 2 years का डेप्रिसिएशन 1 and 2 का, और बाकी आया 81. तो वो जो 81 का अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपी अंडर सेक्शन 28, बिजनेस इनकम हो जाएगा. समझ में आया बात बेटा? और बेटा देखो मेरी बात सुनो, अभी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ये असेट चला गया, तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उसमें भी तो ब्लॉक होगा ना, ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा. तो जब मैं वहां पे ब्लॉक में ऐड करूंगा तो कौन सी वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो वहां पे भी मैं ये 81 को एक्चुअल कॉस्ट लूंगा. समझा? इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर आ जाएगा. तो ये 35 AD था, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते, बट मैं चाहता हूं कि इससे पहले यू जस्ट रिवाइज इट, ठीक है. तो एक हम छोटा सा ब्रेक लेते, ठीक है, आप एक बार रिवाइज करो इसको, और फिर उसके बाद में अगेन वी विल स्टार्ट, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. ओके, सो मॉड्यूल के अंदर बेटा आपके एक दो इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 questions दे रखे हैं, एक बार हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 4.218, इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 4.218 मिला बेटा आपको. चलो, तो मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज फूड ग्रेन्स मतलब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. दूसरा वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, अलग है बेटा, ये अलग अलग वहां पे वेयर हाउस है. पहला फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा शुगर के लिए, तीसरा एडिबल ऑयल के लिए. ऑन 1st April 2020 का बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, 1st April 2020 को स्टार्ट किया. 3 warehouse, warehouse for food grains, warehouse for sugar and warehouse for edible oils. बेटा is all 3 are specified business? Please tell me, क्या तीनों specified business है क्या? कौन कौन से, कौन सा नहीं है specified business वो मुझे बता दो. वेरी गुड, ठीक है. वेयर हाउस फॉर फूड ग्रेन्स इज स्पेसिफाइड बिजनेस, वेयर हाउस फॉर शुगर इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बिजनेस, हाउ एवर वेयर हाउस फॉर एडिबल ऑयल इज नॉट एन स्पेसिफाइड बिजनेस, राइट. तो 35 AD का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इन केस ऑफ शुगर एंड इन केस ऑफ वेयर हाउस फॉर फूड ग्रेन्स डिडक्शन विल बी अलाउड. रीजन बताता हूं, एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1st April 2020 को, मतलब जो उनकी डेट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, तो फर्स्ट ऑनर आफ्टर 1st 2009, और फॉर शुगर ऑन और आफ्टर IBWA 2012 होगा, राइट, उसके बाद में शुरू हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है. हाउएवर इन केस ऑफ एडिबल ऑयल 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट डेप्रिसिएशन वहां पे मिल जाएगा, राइट. नाउ आगे क्या बोलता है, ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80 lakhs, ₹60 lakhs and ₹50 lakhs, ओके, respectively on purchase of land and building during the period January 2020 to March 2020 exclusively for the above businesses. अब बेटा बात समझना, ये इसने एक्सप्रेस बिजनेस शुरू होने से पहले किया, बिफोर कमेंसमेंट का खर्चा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1st April 2020 को, एंड जो एक्सपेंस किया है January 2020 to March 2020 मतलब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस खर्चा किया है 80, 60 and 50 lakhs respectively. ये जो खर्चा हो रहा है बेटा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिडक्शन मिलेगा, बट इट इज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. तो सिर्फ लैंड का नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि आपका जो भी एक्सपेंडिचर है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट शैल बी कैपिटलाइज ऑन 1st day ऑफ बिजनेस स्टार्टेड. तो आगे देखो, एंड कैपिटलाइज द सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1st April 2020, मतलब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ कैपिटलाइज भी कर दिया. चलो कंडीशन सेटिस्फाइड, द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स 50, 40 and 30. तो बेटा ये जो 80, 60 है, हम दो की बात करते हैं, इसमें से 50 और 40
अपने को हटाना पड़ेगा, रिमेनिंग 100% डिडक्शन मिल जाएगा प्रीवियस 2021 के अंदर, बाकी इसका तो अलग ट्रीटमेंट है, वो बाद में देखेंगे रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021 मतलब करंट ईयर में खर्चा हो रहा है, ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 lakhs, 15 lakhs एंड 10 lakhs रेस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग परचेज एंड यूज एक्सक्लूसिव फॉर द बिजनेस। बट अब बिल्कुल ये जो 20 lakhs एंड 15 lakhs है इसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा, ये 10 lakhs का नहीं मिलेगा, ये इसके ऊपर डिप्रिशन मिलेगा। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ये 21-22 एंड लॉस टू बी कैरिड फॉर इफ एनी अज्यूमिंग दैट मिस्टर ए हैज फुलफिल ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड सेक्शन 35AD, भाई सब कुछ सेटिस्फाई कर लिया, wants to claim deduction under section 35AD and has not claimed any deduction under chapter 6 under the heading, जो भी मतलब है कि भाई आपको पता है कि 35AD में deduction लिया तो कोई और deduction नहीं मिलेगा, तो इसने सारी condition satisfy कर ली है। The profits from the business of setting up a warehousing facility for storage of food grain, sugar and edible oil before claiming deduction under section 35AD and section 32 मतलब depreciation, उसके पहले का प्रॉफिट, ये अभी तक डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, फॉर द असेसमेंट 21-22 16 lakhs, 14 lakhs एंड 31 lakhs रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो अज्यूम इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड द पेमेंट्स आर मेड बाय अकाउंट पे चेक एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एकदम बेटा क्लियरली अच्छे से वहां पे आपको बोल रहा है कि भाई इस तरीके से किया है, तो एक काम करते बेटा हम लोग वहां पे कंप्यूट करते हैं पीजीपी कैसे निकालना है, ठीक है, चलो इसने वो पहले किया है हम बाद में। अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 4.218 कंप्यूटेशन ऑफ PGBP for assessment year 2021-22, ठीक है 21-22 for Mr. A और ये आपका जो है warehouse for edible oil, ठीक है, जो कि non specified business है। अब बात मैं करूं बेटा व्हाट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, क्योंकि एडिबल ऑयल है तो बेटा 35AD का डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, ठीक है, डिप्रिशन का डिडक्शन देने से पहले प्रॉफिट कितना है, तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली देर का 16, 14 एंड 31, ये लिख देता हूं मैं ₹31 lakhs। अब इसमें से अपने को डिप्रिशन का डिडक्शन देना है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 दैट इज डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब देखो बेटा ब्लॉक में क्या क्या एसेट है आपके पास में, तो ब्लॉक में बिल्डिंग है और कुछ नहीं है और लैंड है, तो देखो पहले स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू होने से पहले खर्चा किया था 30 lakhs का, ठीक है, The cost of land, अच्छा ये तो cost of land, sorry, he incurred capital expenditure 80, 60 and 50, तो 50 lakhs का खर्चा किया था edible वाले के लिए, किसके लिए respectively purchase of land and building, तो 50 में से cost of land कितना है, the cost included in the above figures 50, 40 and 30 lakhs, तो 50 का edible oil के लिए खर्चा किया, उसमें से 30 lakhs का क्या है land, तो वो हम हटा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ ये पहले में कॉस्ट ऑफ लैंड सॉरी कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिजनेस तो वो है ₹50 lakhs, उसमें से मैं लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ लैंड, क्यों कॉस्ट ऑफ लैंड में कोई डिप्रिशन नहीं मिलता, हाउ मच इट इज 30 lakhs, ये 30 lakhs, ठीक है, तो मैं 30 lakhs लेस कर दूंगा, तो बिल्डिंग कितना आ गया 20 lakhs का,
अब बेटा ये तो हो गया, आपने अक्वायर किया था बिफोर कमिसमेंट, अब आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस भी अक्वायर किया है, तो बिल्डिंग जो भी आपने रिकंस्ट्रक्शन वगैरह किया है, खर्चा किया है, ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ही इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, लैंड के लिए नहीं, एक्सटेंशन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना 10 लाख, तो इसके लिए 10 लाख किया है, तो बिल्डिंग एक्सटेंशन एक्सटेंशन ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कितना है बेटा, ये है 10 लाख। तो बेटा इस ब्लॉक में टोटल आपका बिल्डिंग कितना हो गया, तो ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग जो कि नॉर्मल वाला है और ये ब्लॉक 10% वाला है, ठीक है, कितना हो गया 30 लाख। और अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना हो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन 30 लाख, तो कितना होता है बेटा, दिस इज रुपीज 3 लाख, ये डेप्रिसिएशन आ गया, और ये मैं डिडक्शन देता हूं यहाँ पे रुपीज 3 लाख, तो पीजीपी कितना आ जाएगा, और कोई तो है ही नहीं है, तो पीजीपी कितना आएगा यहां से 28 लाख, ये आएगा पीजीपी। बेटा अंडरस्टूड, आप साथ में कॉपी भी कर रहे हो या मतलब, चलो ठीक है, तो ये आपका 28 लाख पीजीपी आ गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या मॉड्यूल में भी 28 लाख आ रहा है क्या, ये देखो ये रहा 28 लाख, ठीक है, डन बेटा डन। हमने थोड़ा सा ज्यादा स्टेप ले लिया, इन्होंने सीधा 50 माइनस 30 प्लस 10 करके उसका 10% डेप्रिसिएशन ले लिया, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा उसको डिटेल में कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट वाला, एडिबल ऑयल के लिए वेयरहाउस है, क्योंकि इस पे स्पेसिफाइड बिजनेस है नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब दूसरा बेटा आता है स्पेसिफाइड बिजनेस, तो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी फॉर मिस्टर ए फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। पर्टिकुलर्स, और यहां पे दो बिजनेस है, एक है वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स और दूसरा है वेयरहाउस फॉर शुगर। दोनों एलिजिबल बिजनेस, तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि बेटा वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, ओके। सबसे पहले आपका आता है प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है बेटा, ये रहा 16 लाख 14 लाख, ठीक है। अब इसमें से आप दोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD और ये मिलता है 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब बेटा इसमें दो तरह के एक्सपेंस है, एक है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो बिफोर कमेंसमेंट बेटा दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग है, जैसे कि अगर हम बात करें शुगर के लिए तो यहां पे कितना खर्चा किया था, 80 लाख से खर्चा किया था, सॉरी एग्रीकल्चर उसके लिए इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 एंड 60, और उसमें से लैंड का कितना है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड 50 एंड 40, 80 60 50 40, तो 80 60, तो मैं यहां लिखता हूं 80 लाख एंड 60 लाख इनर कॉलम में, उसमें से लेस करता हूं कॉस्ट ऑफ लैंड
वो कितना है 50-40 है, 50 लैक्स एंड 40 लैक्स। प्लीज करेक्ट बेटा अगर मैं कहीं पे गलत फिगर लिखता हूं तो, 50 एंड 40 लैक्स। तो बेटा यहां पे कितना आ जाएगा, तो 30 लैक्स, और ये कितना आ जाएगा 20 लैक्स। और आपको पता है कि इनका 100% डिडक्शन मिलता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेस 30 लैक्स, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई। बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया था ऑन फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस स्टार्टेड, राइट, और लैंड का खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इधर 20 लैक्स। ये तो हो गया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले का। अब दूसरा आता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, और ये हुआ है इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर 2021 कितना है। तो आगे देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021 इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लैक्स एंड 15 लैक्स, तो वो भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन, ऊपर वैसे ही लिख दिया है वहां पे। तो कितना है 20 एंड 15, 20 लैक्स एंड 15 लैक्स। मुझे बताओ बेटा व्हाट इज पीजीबीपी। तो इस केस में बेटा पीजीपी नेगेटिव आ जाएगा। पहले वाले केस में कितना आया 50 में से 16 गया, तो 50 माइनस 16 लैक्स, दिस इज 34 लाख नेगेटिव, 34 लाख नेगेटिव। और दूसरा ये हो गया 35 और 21 लाख, दोनों का समझा बेटा। अब मुझे ये बताओ बेटा, ऊपर है ना 28 लाख का पॉजिटिव इनकम आया है, वेयरहाउस फॉर एडिबल ऑयल, तो क्या ये लॉस उस प्रॉफिट के सामने सेटअप हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दीज आर स्पेसिफाइड बिजनेस, दैट इज नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, अंडरस्टूड। तो नीचे हम नोट लिख देते हैं वहां पे, इन दोनों का टोटल कितना होता है, टोटल हो जाएगा 5 एंड 5, 55, राइट, 55 ना, इन दोनों 34 एंड 21 का 55 लैक्स हो जाएगा नेगेटिव। तो इन दोनों 55 लैक्स, तो आप नोट में लिखोगे टोटल लॉस ऑफ रुपीज 55 लैक्स फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस cannot be set off against profit of rupees 28 lakhs from non-specified business and loss of rupees 55 lakhs can be carried forward to unlimited period and it will be set off against only specified businesses in the future, whether same or any other specified business, any other specified business. Done beta? Done beta, done? तो इस तरीके से आपको वहां पे डिडक्शन देना है, इस तरीके से आपको 35AD का डिडक्शन देकर के पीजीपी निकालना है।
ये देखो टोटल 55 लाख का लॉस आया, 34, 21, 50, इन्होंने क्या किया एक कॉलम और बना दिया, टोटल भी कर दिया, हमने नीचे ही वहां पे टोटल कर दिया, ठीक है। और नोट वोट तो जो देख लेना कि क्या क्या नोट है, आपको लगे कि इसमें से कोई चीज काम की है तो वो आप ये देखो लास्ट वाला हमने लिख दिया ये चीजें। अच्छा ये 180 डेज वाला पुट टू यूज वगैरह देख ला, अज्यूम इट इज अज्यूम जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं ना, तो इट इज अज्यूम दैट इट इज पुट बिल्डिंग इज पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, इसलिए फुल डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर ओवर सिंस सेटिंग अप, ये सब देख एक बार नोट जस्ट इनको गो थ्रू कर लेना, ओके। अब बेटा ये लिस्ट नंबर 7 है नहीं, इसको आप करना, इसको आप वहां पे ट्राई करना लिस्ट नंबर 7, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट नंबर 7 के अंदर जब आप करोगे ना, तो इधर होटल के बिजनेस है दो है, एक कोयम्बटूर में और एक शायद पता नहीं तिरुचली वाली कहीं पे ऐसे कहीं पे दो साउथ की प्लेसेस है वहां पे। तो एक है ना एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है होटल का ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009 और दूसरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बिफोर 1 अप्रैल 2009। वन इज स्टार्टेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009 और बिफोर होटल का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिफोर 1 अप्रैल 2009। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस है या नहीं, तो आपने बोला बोथ आर स्पेसिफाइड बिजनेस, राइट राइट राइट। फर्क क्या है कि जो पहले वाला बिजनेस है बेटा उसके सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 35AD के अंदर करंट ईयर के अंदर, लेकिन जो दूसरे वाला उसमें मिलेगा। बट क्या एक का लॉस दूसरे के लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, यस और नो? यस बेटा, दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, आप बात समझो। फर्क क्या है, सिर्फ उसके सामने डिडक्शन नहीं मिलेगा 35AD में, बट अल्टीमेटली बोथ आर स्पेसिफाइड बिजनेस, अंडरस्टूड? तो भाई आपको देखो इस जैसे मैंने अभी आपको अपने देखा होगा कि भाई मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप डिडक्शन दे करके और पीजीपी इनकम निकाला वहां पे, वैसे ही इसमें भी आपको जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उस डिडक्शन देकर के पीजीपी इनकम निकालना है, और जो दूसरा वाला होटल है ना दूसरे वाले होटल का आपको प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है तो उसके सामने सेट ऑफ करना है, तो वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ट्राई दिस, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद में एक वो एटीएस वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये देखो लिस्ट नंबर 8, मिस्टर अर्नव इज अ प्रोप्राइटर हैविंग टू यूनिट्स, यूनिट ए कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, देन यूनिट ए कमेंस्ड ऑपरेशन 1 अप्रैल 2019, मतलब एलिजिबल है, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009 उसने स्टार्ट किया है, सॉरी 2012 शुगर के लिए 2012, एंड इट क्लेम डिडक्शन ऑफ 100 lakhs इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ 2 buildings ऑफ 50 lakhs ईच फॉर ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, ठीक है, दो बिल्डिंग खरीदी उसके अंदर 50 lakh एक का कॉस्ट था तो टोटल हो गया 100 lakhs का, अंडर सेक्शन 35AD इन विच ईयर, इन असेसमेंट ईयर 2021, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर डिडक्शन ले लिया। हाउएवर इन फरवरी 2021 इस साल में यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिजनेस टू यूनिट बी, मतलब स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट कर दिया, एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्नव। इधर देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर 4.223, इलस्ट्रेशन 8 पेज 4.223 आईसीआई, आपको क्या निकालना है टैक्स इंप्लीकेशन, ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 28 अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। बात समझना बेटा, कितनी बिल्डिंग है बेटा, यहां पे दो बिल्डिंग है 50 lakhs ईच, लेकिन बेटा यूनिट ट्रांसफर वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी, तो यहां पे देखो इन प्रीवियस ईयर 1920 मतलब असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर 100 lakhs का बिल्डिंग का इसने डिडक्शन लिया होगा, 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD लिया होगा, उसमें से एक बिल्डिंग ट्रांसफर किया जो 8 years तक ट्रांसफर नहीं करना था वो ट्रांसफर कर दिया बेटा, ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा यहां पे डिडक्शन टेकन
अंडर सेक्शन 35AD फॉर बिल्डिंग ट्रांसफर्ड, एक मिनट, डिडक्शन टेकन अंडर सेक्शन 35AD इन प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, और 100% लिया था, 100% लिया था, ठीक है, फॉर बिल्डिंग ट्रांसफर्ड टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर 2020-21. कितना है बेटा? ₹50 lakhs का डिडक्शन लिया होगा. बेटा आपने टोटल 100 lakhs का डिडक्शन लिया था टू बिल्डिंग्स के लिए, बट एक ही बिल्डिंग ट्रांसफर किया, तो यहां पे हमने 50 lakhs लिया. अब उसमें से हम लोग लेस करेंगे नोशनल डेप्रिशिएशन, और ये कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए होगा. क्यों 1 ईयर के लिए? क्योंकि बेटा यहां पे 1920 में आपने रिडक्शन लिया और 2021 में अगले ही साल, मतलब सेकेंड ईयर में आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, कहने का मतलब, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन तो आएगा नहीं, वो तो एक्चुअल डेप्रिशिएशन लेंगे हम किसके अंदर? नॉन स्पेसिफाइड के अंदर. तो फर्स्ट ईयर का, ईयर वन का, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20 का नोशनल डेप्रिशन लगी कि भाई अगर मान लो मैं डिडक्शन नहीं लेता तो डेप्रिशन तो मिलता, तो कितना? 50 lakhs into 10%. अच्छा मेरे को ये देखना पड़ेगा ये खरीदा कब था, कुछ डिटेल दे रखा है क्या? फर्स्ट 2019 क्लेम एनिटी कमेंस ऑपरेशन फर्स्ट, ये डिटेल नहीं दे रखा है कब खरीदा, तो वी आर अज्यूमिंग पुट टू यूज 180 days और मोर था, तो फुल नोशनल डेप्रिशन मिल जाएगा, ठीक है. तो बेटा यहां पे आपका ₹5 lakh, तो PGBP अंडर सेक्शन 28 कितना हो गया? ₹45 lakh. ये देखो अच्छा सॉरी, ये पीजीपी अंडर सेक्शन 28 नहीं आएगा, डीम पीजीपी इनकम अंडर सेक्शन 35AD7 भी आएगा, सॉरी डीम पीजीपी अंडर सेक्शन 35AD7 भी इनकम है, कहने का मतलब. ठीक है, ये 45 लाख आ गया. ये कौन से ईयर में? फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. ठीक है, अब बेटा कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है. ये तो हमने स्पेसिफाइड बिजनेस में किया, अब ये असर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में भी तो ट्रांसफर हुआ है, तो उधर भी तो अपने को ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा बिल्डिंग के. तो जब ब्लॉक में ऐड करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो यहां पे लिखूंगा मैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, जो यूनिट बी वगैरह है, एडिबल ऑयल वाला बिजनेस, ठीक है, वो क्या लूंगा? तो बेटा इस केस में इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था? तो कॉस्ट ऑफ असेट कितना था? ₹50 lakhs था. उसमें से मैं लेस करूंगा नोशनल डेप्रिशिएशन, भाई सेम फॉर प्रीवियस ईयर 1920, 5 lakh. तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा ब्लॉक में ऐड करने के लिए? ₹45 lakh, और ये मैं ब्लॉक में ऐड कर दूंगा, और इसके ऊपर मैं नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा. अब देखो कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं पता है, कि सेवेंथ
फेब 2021 को या ऐसा कुछ ट्रांसफर किया है, अगर आप देखोगे तो कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो इन फेबरी, डेट नहीं, फेबरी 2021 ट्रांसफर किया है नॉन स्पेसिफाइड में, तो कुछ लोग उस साल का हाफ डेप्रिसिएशन लेंगे ये बोल के कि पुट्टू इज लेस देन 1 डेज है। जब नॉन स्पेसिफाइड में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे तो हाफ डेप्रिसिएशन लेंगे ऐसा बोल के कि पुट्टू इज लेस देन 1 डेज है, बट इट इज नॉट पुट्टू यूज लेस देन 1 डेज बिकॉज ईयर ऑफ एक्विजिशन वाज प्रीवियस ईयर 1920। अंडरस्टूड बेटा? तो यहाँ पे आपको चाहो तो लिख दो कि भाई जो भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा वो फुल मिलेगा, ये जो रहेगा ठीक है, फुल डिप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 ठीक है, एज कंडीशन ऑफ पुट टू यूज डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे लिखो इन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ठीक है, फुल डिप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD सेक्शन 32 ठीक है, एज कंडीशन ऑफ पुट टू यूज अप्लाई ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड दैट इज प्रीवियस ईयर 1920। डन बेटा? ये देखो जो भी लिखा हुआ है देखो, सिंस द कैपिटल असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन 50 lakhs वाज क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD हैज बीन ट्रांसफर टू यूनिट कैरिंग अ स्पेसिफाइड बिजनेस टू यूनिट बी कैरिंग नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रीवियस 2021, द डीमिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 AD 7 बी अट्रैक्टेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22। मिस्टर अर्नर हाउवर बाय वर्चू ऑफ प्रोविजन एक्सप्लेनेशन जो है कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन द बिल्डिंग इन यूनिट बी फॉर असेसमेंट 21-22 For the purpose of claiming depreciation of building, the unit B, the actual cost of the building would be, वही आपका हो जाएगा actual cost of the city 45 lakh rupees हो जाएगा। Done बेटा? तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से section 35 AD में अगर asset का deduction लिया था और वो non-specified business में transfer होता है तो किस तरीके से आपको compute करना है? Done or not? ठीक है? चलो। अब मेरे को इसके अंदर एक चीज और आपको बता देता हूँ, लिख दो वहां पे कि भाई अगर 35 AD सेक्शन 35 AD का अंदर डिडक्शन क्लेम किया था एंड बाद में मान लो वो असेट बेचा जाता है, इट इज सोल्ड। देखो 8 ईयर का ट्रांसफर तो खुद के बिजनेस में ट्रांसफर करने की बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि आप किसी और को ही बेच रहे हो। तो मैं उसका एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। सपोज हेडिंग डाल दो वहां पे, आप लिख देना ठीक है, taxability of income in case of asset transferred, ठीक है, asset transferred for which deduction under section 35 AD was क्लेम, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, समझना बात को कि सपोज एक बिल्डिंग था, स्पेसिफाइड बिजनेस होटल का ले लेते हैं, होटल 3 स्टार का था ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक बिल्डिंग परचेज किया, इस बिल्डिंग का आपका सपोज कॉस्ट था ₹100, ये कॉस्ट था, तो बेटा आपने डिडक्शन ले लिया होगा, डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 2019-20, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD ले लिया होगा आपने 100% ऑफ ₹100, दैट इज ₹100 का आपने डिडक्शन ले लिया होगा, ध्यान रखना। और ये डिडक्शन आपने लिया 35 AD मतलब कहां से, ये डिडक्शन आपने पीजीपी से लिया है,
मतलब इतना आपने प्रॉफिट पीजी में से कम किया है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अब प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर ये असेट बेचा जा रहा है, बिल्डिंग सोल्ड, और जो सेलिंग प्राइस है वो लाइक आपको याद है मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग चार्ज वाला इंडिविजुअल असेट सिस्टम के अंदर कैसे बैलेंस, बस वैसा ही कॉन्सेप्ट है। उधर तीन सिनेरियो थे, इधर तीन सिनेरियो नहीं हो सकते, इधर एक ही, इधर दो ही सिनेरियो होंगे, ठीक है। तो सपोज सेलिंग प्राइस पहले वाले केस में, केस वन सेलिंग प्राइस इज ₹125, और केस टू सेलिंग प्राइस इज ₹80। अब बेटा यहां पे आप देखोगे तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो बेटा देखो यहां पे आपने पूरा ₹100 का डिडक्शन दे दिया, तो बेटा WDV कितना बच गया, नील, अग्रीड, WDV इज नील, क्यों पूरा डिडक्शन ले लिया। नाउ जब कभी भी हम डेप्रिशिएबल असेट, भले ही इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लग नहीं रहा है बट असेट तो डेप्रिशिएबल ही है बिल्डिंग, तो जब कभी वो बेचते तो सेलिंग प्राइस से हम कंपेयर करते हैं WDV, एंड आर WDV इज नील, यहां पे भी WDV इट इज नील। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हो गया ₹125, और इस केस में प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट है, दोनों केस में प्रॉफिट है बेटा, इस केस में प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं सकता, इस केस में प्रॉफिट कितना हो गया ₹80, लॉस वाला सिचुएशन हो ही नहीं सकता क्योंकि WDV नील है, नेगेटिव अमाउंट में तो कोई बेचेगा नहीं ना आदमी कि -₹10 में बेच दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। तो ये यहां पे मुझे बताओ ये 125 क्या PGBP है या कैपिटल गेन है, क्या है बेटा ये? अगर आपको बैलेंसिंग चार्ज वाला दिमाग में है तो आप एकदम कनेक्ट कर सकते हो, तो ये 125 PGP है या कैपिटल गेन है, क्या है बेटा ये? पूरा कैपिटल गेन, बहुत, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? आप ऊपर वाली सिचुएशन देखो बेटा, ₹100 का डिडक्शन 35AD में लिया है, 35AD में ₹100 का डिडक्शन, मतलब वो PGP में से लिया है, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD विल बी टैक्सेबल अंडर दैट PGP एंड ओवर एंड अबव द कॉस्ट, वो आपका कहां चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इसके दो पार्ट करूंगा मैं, पहला टू द एक्सटेंट डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD, ठीक है, वो तो जाएगा आपका PGBP अंडर सेक्शन 28 बिजनेस इनकम, दैट इज ₹100, इतना ही तो डिडक्शन लिया था हमने, ठीक है। और बाकी जो ओवर एंड अबो द कॉस्ट है, ओवर एंड अबो द कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, दैट इज 125 माइनस 100, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा ₹25, ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा, और ये पूरा का पूरा PGP अंडर सेक्शन 28, जब तक ₹100 का रिकवरी नहीं होता वो PGP में जाएगा, ठीक है। टू द एक्सटेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD क्लेम, बेटा अंडरस्टूड? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट किया ना बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट जो है वो आपका ₹25 हो गया, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अप टू डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, वहां पे भी हमने जितना डेप्रिशन लिया था 20 रुपीज का दो साल का, उतना PGP में भेजे थे बैलेंसिंग चार्ज, इसको बैलेंसिंग चार्ज नहीं बोलेंगे, बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट सिर्फ वो इंडिविजुअल सिस्टम वहीं पे, ये डीम PGP, ये PGP इनकम 28 होगा, अंडरस्टूड बेटा? ठीक है ना,
तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मैं आपका दोस्त और डीटीए घोष प्रोफेसर अमित राजपूत आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।